हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएन जीएस एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे DIAS का जीएस का टेस्ट 6, जो कि ऑलरेडी हमने समान हिंदी के 10 टेस्ट कवर कर दिए हैं और जीएस के 5 टेस्ट अभी तक कवर हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 6, जो कि है हमारा DIAS का। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, 11 फरवरी को हमारा आर ओ आर ओ का एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिससे हम लोग एक सीट अपनी रिजर्व कर सके, राइट। पूछा गया है मपूतो की खाड़ी है ना, पूछा गया है मपूतो की खाड़ी। मपूतो की खाड़ी स्थित है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या अंटार्कटिक महासागर में। देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है मैप से। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो एग्जाम हॉल में मे भी भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैप के थ्रू आपने प्रिपरेशन करी है या लोकेशन को इंडिकेट करा है तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो आपको ले चलते हैं हम मैप पे, है ना, मापुतो की खाड़ी। देखिए, ये हमारा अफ्रीका है ना। अफ्रीका सबसे एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहली बात। यहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ का मकर रेखा। ये तीनों ही रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं, क्योंकि पहला ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, ये बात याद रखनी है। मपूतो की खाड़ी हमारा अफ्रीका के पूर्वी साइड पड़ता है ना। अगर यहाँ पे लोकेशन देखिए तो यहाँ पे है हमारा मपूतो की खाड़ी, और ये क्या है, मेडागास्कर। क्या है ये, यहाँ पे मेडागास्कर है। क्या है ये, मेडागास्कर है। ये हमारे इंडियन इंडियन जो क्लाइमेट है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारा मेडागास्कर। यहीं से हवाएं, अगर एल नीनो पढ़ा होगा आपने तो इसका इफेक्ट यहीं से हवाओं से देखने को मिलता है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है ये मेडागास्कर, राइट। तो मपूतो की खाड़ी यहाँ पे स्थित है मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व में, है ना, दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ पे है हमारा दक्षिण पश्चिम में है, सॉरी, दक्षिण पश्चिम में है मपूतो की खाड़ी, है ना। तो ये लोकेशन है, ये क्या हमारा इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन की बात करें तो सबसे थर्ड नंबर पे आता है, पहले सबसे, अगर सबसे बड़ा महासागर है तो प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद आता है हमारा इंडियन ओशियन। तो थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन है, और पहला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर महासागर का नाम पड़ा, जैसे हमारा हिंद महासागर के इंडिया के नाम पर पड़ा है, तो ये हिंद महासागर किसी देश के नाम पर महासागर का नाम है, ये पहला ऐसा केस है, राइट। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, तो मपूतो की खाड़ी कहाँ पे, हिंद महासागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, और इसका सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है, मेरियानागर्द। कौन सा है, मेरियानागर्द, है ना, मेरियानागर्द, ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं। अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं। पहला मोरक्को, सोमालिया, जिबूती। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, सोमालिया, जिबूती या नबीबिया। मोरक्को, अल्जीरिया या लीबिया। तो अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश सम्मिलित है आपको बताना है। तो इसमें सम्मिलित है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आपको ले चलते हैं मैप पे, है ना, कहाँ ले चलते हैं, मैप पे। दूसरा मैप देखेंगे आप लोग, तो ये हमारा अफ्रीका का ही है। आपको पता है कि अफ्रीका दो भाग में डिवाइड हो रहा है ना, दो भाग में। अगर इसकी बात करें कि इसका पूर्वी क्षेत्र है ना, जहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहां से ये डिवाइड हो रहा है। ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया आता है हमारा, जिबूती आता है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित देश कौन कौन से है ना, तो कौन सा हो जाएगा, इरिट्रिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा ना। ये सब किस में है, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। गल्फ ऑफ अदन, यहाँ पे क्या है, अदन की खाड़ी है ना, ये बात याद रखनी है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है ये हमारे इंडियन ओशियन की तरफ जा रहा है, और इसका जो ये पार्ट है ये किस तरफ जा रहा है, भूमध्य सागर की ओर। तो ये दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं,
डिवाइड होने का आप नतीजा देख रहे हैं कि ये गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। क्या हो रहा है? गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। अभी नहीं, काफी समय लगेगा इसको दोनों को अलग होने में, है ना, क्योंकि बड़ा धीमा प्रोसेस होता है। कई साल लग जाएंगे, कई सौ साल लग जाएंगे इन महाद्वीप से, इन दो खंडों को अलग होने में। तो ये दो महाखंड कहाँ से अलग हो रहे हैं? यहाँ से अलग हो रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, राइट। अब ये दो महाखंड अलग हो जाएंगे तो क्या होगा? केन्या दो पार्ट में बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, इथोपिया दो पार्ट में बढ़ जाएगा ना। और जो यहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं है, जैसे युगांडा का नहीं है ना, कई देशों का यहाँ पे नहीं है कोस्टल एरिया। अब दो खंड विभाजित हो जाने पर इसके बीच में क्या जाएगा? महासागर का पानी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? महासागर का पानी हो जाएगा। तो ये जो लैंड है ये कोस्टल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। आगे आने वाले समय में क्या हो जाएगा? ये जो क्षेत्र है कोस्टल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो जो गैप होगा, जो भूखंड अलग हो गए, जो उनका दोनों गैप होगा, उसमें क्या आ जाएगा? महासागर का पानी आ जाएगा, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मोरक्को और अल्जीरिया क्या है, ट्यूनिशिया क्या है? अफ्रीका माइनर में शामिल होने वाले देश हैं, राइट। क्या है? देश हैं। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में? अफ्रीका के बारे में, है ना। अगर मैंने और मैप लिया होगा, हाँ, अफ्रीका के बारे में, राइट। अफ्रीका की बात करें तो जिब्राल्टर, है ना, जिब्राल्टर की संधि से ये यूरोप से अलग होता है। अगर हम लोग यहां बात करें तो ये क्या है? मिस्र है। मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये हमारा मिस्र है। ये क्या है? हमारा स्वेज नहर है। यहीं पे क्या है? स्वेज नहर है। तो ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर। तो पूछा जाता है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो यहीं पे बनाया गया है स्वेज कैनाल। क्या बनाया गया है? स्वेज कैनाल, राइट। ये क्या है? हमारा अरेबियन सी है। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे इरिट्रिया है ना, इरिट्रिया है, जिबूती है, इथोपिया है, सोमालिया है। ये क्या है? ये पूरा क्षेत्र क्या है? सोमालिया है, राइट। क्या है? सोमालिया है। अगर अफ्रीका की सबसे बड़े लेक की बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया है ना। ग्रेट विक्टोरिया किसके किसके बीच में है? युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा देखिए मैप से पढ़ने में कितना इंटरेस्टिंग है ना, कुछ याद ही नहीं करना, बस लोकेशन देखिए आप। लेक ऑफ विक्टोरिया कहाँ पे है और इसके आसपास के क्षेत्र कौन से है? युगांडा हो गया हमारा, केन्या हो गया, और ये कौन सा हो गया? तंजानिया, है ना। क्या हो गया? तंजानिया हो गया। इन तीनों के बॉर्डर पे हमारा कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया लेक है। ग्रेट विक्टोरिया लेक से ही, है ना, ग्रेट विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है ना। नील नदी का उद्गम होता है। और नील नदी कहाँ कहाँ से जाती है? नील नदी यहां से निकली, यहां, फिर जाके कहां गिर गई? भूमध्य सागर में। कहां गिर गई? भूमध्य सागर में, है ना। और यहीं पे आसवान बांध बना है। क्वेश्चन आता है ना, आसवान बांध किस पे बना है? तो नील नदी पे बना है, राइट। ये भी याद रखिएगा, है ना। तो ये सारे क्या है? ये सारे अफ्रीका को थोड़ा सा जान लेते हैं ना, अफ्रीका के बारे में। मेडागास्कर इंडियन, अगर इसके पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो इंडियन ओशियन है, और इसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये सेकंड सबसे बड़ा महासागर है, और इसका आकार क्या है? एस के आकार का है। अगर आकार की बात करें तो कौन सा आकार है इसका? एस के आकार का है ना। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। आगे भी आपको महाद्वीप के बारे में बताएंगे, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, आपको बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। हॉर्न पठार कनाडा में अवस्थित है। दूसरा है, क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। केवल एक और दो, राइट। ये ना तो एक ना तो दो। देखिए हॉर्न पठार ये झील है, ग्रेट स्लेव झील। मैं आप अभी दिखा देते हैं आपको। ग्रेट स्लेव झील के पास से ही ये क्या है स्थित है, हॉर्न पठार। ये कनाडा में स्थित, ये बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के देश से रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है ना। ये बात बिल्कुल सही है ना। कनाडा क्या है?
सबसे बड़ा देश है, रूस के बाद क्या है, कनाडा सबसे बड़ा देश है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों क्या है, दोनों सही है, ए और सी दोनों ही सही है ना। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। अभी तक चाइना था लेकिन भारत हो गया है, उसके बाद कौन सा है, चीन है ना। अभी तक कौन था, चीन था, लेकिन अब हमने क्रॉस कर लिया, भारत की जनसंख्या विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या, विश्व के सभी देशों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, भारत में, लगभग 142 करोड़, 42 पॉइंट में है। और चीन की भी जनसंख्या 142 करोड़, अगर शायद इसका 0.8 है तो इसका 0.6 करोड़ है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन चाइना से हम आगे पहुंच गए हैं जनसंख्या के मामले में, है ना, बहुत खुशी की बात है, राइट। तो दोनों ही सही है। तो आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा यूएसए का मैप, है ना, नहीं कनाडा का मैप दिखाएंगे आपको, कनाडा का है ये मैप, है ना, कनाडा का ये मैप है। अगर कनाडा की बात करें, है ना, कनाडा की बात करें तो सबसे पहले इसका बाहरी क्षेत्र देख लेते हैं। बाहरी क्षेत्र तो ये बेरिंग जल संधि से एशिया से अलग होता है हमारा, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका अलग होता है एशिया से बेरिंग जल संधि के माध्यम से, किससे, बेरिंग जल संधि के माध्यम से। अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो कनाडा का ये जो एरिया है, ये बॉर्डर है किसका, इससे अलग होता है, ये इससे अलग होता है किससे, ये हमारा अलग होता है यूएसए से। ये क्या है, यूएसए है, और ये क्या है, हमारा कनाडा है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर बात करें कनाडा के उत्तर में, तो उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है, ब्लू फोर्ड सागर है ना, बैफिन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड यहाँ पे है, लेकिन इसका जो आधिपत्य है ये किसके अंडर में है, ये डेनमार्क के अंदर में है। डेनमार्क क्या है, यूरोपियन कंट्री है, राइट। तो डेविस जल संधि क्वेश्चन कितनी बार आता है, डेविस जल संधि है ना, तो बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को ये मिलाता है डेविस जल संधि, है ना, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि डेविस जल संधि कहाँ पे है। तो पहली बात तो ये कनाडा में है, और किसको किसको जोड़ता है, तो बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर और बैफिन की खाड़ी को ही जोड़ता है डेविस जल संधि, राइट। ये बात आपको याद, मैकेंजी की खाड़ी यहाँ पे है, अमरडेंसन की खाड़ी यहाँ पे है, अलास्का की खाड़ी यहाँ पे है ना, ये हडसन की खाड़ी है ना, हडसन की खाड़ी, हडसन जल संधि है ना, तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर और हडसन की खाड़ी को जोड़ता है कौन सा, हडसन जल संधि। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ, मैं वही आपको लोकेट करा रही हूँ जहां से क्वेश्चन आया हुआ है आरओएआरओ में ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, हडसन जल संधि, ये सारे क्वेश्चन क्या है, आए हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ग्रेट लेक्स है, सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर झील, मिशिगन झील है ना, हूरन झील और इरी झील है ना, ये सब क्या है, ओंटारियो झील, ये सारे क्या है, पांच जो महान झीलों में से आता है इनका नाम। तो पूछा गया था, मैंने पहले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 4 में सॉल्व कराया था कि निम्नलिखित में से कौन सा झील पूर्णतया यूएसए में है, तो कौन सा है, मिशिगन है। देखिए अगर आप देख रहे हैं येलो वाला पार्ट क्या है, ये यूएसए का बॉर्डर है, तो ये येलो वाला पार्ट के अंदर ही हमारा मिशिगन आ जाता है, मिशिगन आ जाता है ना, ये सारा क्या है, येलो वाले पार्ट में ही है। तो मिशिगन झील मतलब पांचों झील में क्या है, जो पूर्णतया यूएसए में स्थित है, और ये सारे क्या है, इससे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इससे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इससे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इससे भी बॉर्डर, इससे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इससे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। ये भी हमारा ओंटारियो झील भी इससे भी शेयर कर रहा है, इससे भी शेयर कर रहा है, राइट। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो हमने बताया था हॉर्न पठार, तो हॉर्न पठार हमारा कहाँ पे है, ग्रेट स्लेव झील के पास है, कहाँ पे है, यहाँ पे है इसका लोकेशन, ग्रेट स्लेव झील के पास है ना। तो ग्रेट बेयर झील है ना, ग्रेट स्लेव झील, ये सारे रेन डियर झील, ये सारे कहाँ के, कनाडा के झील है, कहाँ के हैं, कनाडा के झील है, ये आपको याद रखनी है। अलास्का की खाड़ी, अलास्का कहाँ पे आ जाता है, ये यूएसए का पार्ट है ना, ये यूएसए का पार्ट है ना, यूएसए का पार्ट यहाँ पे है और बाकी ये इधर है ना, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा के पश्चिम साइड प्रशांत महासागर है, और पूर्वी साइड कौन सा है, अटलांटिक महासागर, कौन सा है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, राइट, अटलांटिक महासागर है, इस साइड अटलांटिक महासागर है ना, और इस साइड का क्या है, प्रशांत महासागर। चलते हैं क्वेश्चन पे।
आई होप आपको लोकेशन के थ्रू चीजें आसान भी होती है और बताने में भी सहूलियत होती है। थोड़ा बढ़ते अगला अगला है, मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह है। मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, पराग्वे, चिली, उरुग्वे, ब्राजील, बोस्वाना या पेरू, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक या सोमालिया। तो आपको बताना है कि मकर रेखा पर स्थित ना, ले चलते आपको मैप पे और बताते आपको मकर रेखा है ना, क्या है मकर रेखा। अगर आप लोग ये देखें तो 0 डिग्री अक्षांश है ना, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये भारत से गुजरती है, लगभग आधे पार्ट में बांटती है ना, 8 राज्यों से गुजरती है, ये बात याद रखिएगा। और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है, मकर रेखा। वो अफ्रीका का ही क्षेत्र का मकर रेखा पूछा है, लेकिन बात आपको बता देते हैं बाकी भी है ना मकर रेखा के बारे में। तो साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और बोस्वाना, बोस्वाना, नबीबिया, नबीबिया है ना, है ना, नबीबिया है ना, नबीबिया हो गया, और कौन सा हो गया, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, ये क्या है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक भी है और मेडागास्कर भी है, मेडागास्कर भी है ना, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है ना, क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैप से पढ़ने कितना आराम रहता है ना, ऑस्ट्रेलिया राइट। और अगर हम लोग बात करें अर्जेंटीना, यहाँ पे साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और कौन सा है, चिली है ना, चिली है, पराग्वे है, पराग्वे है, और कौन सा है, पराग्वे है राइट। ब्राजील, ये कौन सा एरिया है, ये क्या है, ब्राजील है, ब्राजील। ये सारे क्षेत्र कहाँ से हैं, हमारे मकर रेखा से गुजरते हैं है ना। टोंगा, टोंगा भी कहाँ से गुजरता है, मकर रेखा से गुजरता है। तो सारे देश क्या है, मकर रेखा से गुजरने वाले हैं। तो पूछा गया था कौन कौन सा है, देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है ना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ये दिया ही गया है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। देखिए उरुग्वे भी पूछ लिया ना, उरुग्वे नहीं है, है ना, पेरू पूछ लिया, पेरू नहीं है, चिली था है ना, कौन सा था, चिली था है ना, क्या है, चिली है, तो इसका ये भी गलत, ये भी गलत हमारा। सोमालिया नहीं है, मोजाम्बिक है, अर्जेंटीना है, लेकिन सोमालिया नहीं है, है ना, ये इसीलिए ये गलत हो गया। पेरू नहीं है इसलिए ये गलत हो, उरुग्वे नहीं इसलिए ये गलत हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, किसका महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है साउथ अमेरिका को, किसको कहा जाता है, साउथ अमेरिका को, किसे कहा जाता है, साउथ अमेरिका। देख लेते हैं थोड़ा सा साउथ अमेरिका का मैप, ये क्या है हमारा, साउथ अमेरिका है। सबसे पहले इसका बाहरी बॉर्डर हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे क्या है, पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी से ये अलग होता है ना, पनामा की खाड़ी से ये अलग होता है, पनामा की खाड़ी से ये अलग होता है, किससे, उत्तरी अमेरिका से, पनामा की खाड़ी से ये अलग होता है उत्तरी अमेरिका से है ना। इसके अगर हम लोग इधर से चले तो फ्रेंच गुयाना एक देश है, सूरीनाम है, गुयाना है, वेनेजुला है ना, वेनेजुला में ही एंजल जलप्रपात पाया जाता है, एंजल जलप्रपात है ना, वेनेजुला। ये फिर क्या है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर है, ये पेरू है, पेरू का तट आप जानते हैं, अलनीनो, और अलनीनो के लिए काफी ये महत्वपूर्ण स्थान है ना। ये ब्राजील, देखिए ब्राजील कितने में है ना, अगर बात करें ब्राजील की तो ब्राजील दो ऐसे, इक्वाडोर और चिली, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर ब्राजील साउथ अमेरिका के सभी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। केवल दो देश कौन से हैं, इक्वाडोर है और कौन सा है, ये हमारा चिली है, राइट। साउथ अमेरिका में ही सबसे बड़ा
जो पर्वतमाला मिलता है, एंडीज पर्वतमाला, कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला यहीं पे स्थित है, एंडीज पर्वतमाला, है ना। बोलिविया और पराग्वे, ये दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, भू आवेशित क्षेत्र है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है कि इन देशों की कोई भी बॉर्डर ओशियन में नहीं, ओशियन से नहीं लगती, किसी भी ओशियन से इनकी बॉर्डर नहीं लगती है। तो बोलिविया की भी नहीं लगती है, पराग्वे की भी नहीं लगती है, राइट। उरुग्वे हो गया हमारा और ये अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना, और ये क्या है? ये चिली है। लंबाई में देखे तो चिली क्या है? बहुत बड़ा देश है लंबाई के अकॉर्डिंग। और यहीं पे क्या है? मैगलन की संधि। क्या है यहाँ पे? मैगलन की, ये देखिए मैगलन की संधि, मैगलन की संधि है, राइट। अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात करें तो इसके पश्चिम में दक्षिण प्रशांत महासागर है और इसके पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण अटलांटिक महासागर। कहने का मतलब क्या है कि इस साइड में पूर्वी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिमी साइड में क्या है? पश्चिमी साइड में क्या है? ये हमारा प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है, ओके। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े, सबसे बड़ी अगर नगर का नाम बताएं तो कौन सा है? रियो डी जिनेरियो, रियो डी जिनेरियो है ना। रियो डी जिनेरियो क्या है? सबसे बड़ा ये सिटी है रियो डी जिनेरियो, ये कहाँ का है? ब्राजील का है, ओके, ठीक है। और साउथ अमेरिका में ही अमेजन नदी है ना, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, इसके बहाव क्षेत्र के हिसाब से देखें, तो दुनिया के सबसे बड़ा जो नदी का बहाव क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा नदी है अमेजन नदी, ओके। बढ़े आगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है ना। आर्कटिक महासागर कहाँ पे है? ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग देखें, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पे क्या है हमारा? आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर। तो पूछा गया है कि निम्न में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो उसे टुंडा बायोम, टुंडा बायोम को क्या जाना जाता है? आर्कटिक महासागर के रूप में जाना, मरुस्थल महासागर नहीं है, मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? टुंडा, टुंडा बायोम को, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? खैबर दर्रा है ना, जो भी हमारे अगर मध्यकालीन देखे, मध्यकालीन में जितने भी अटैक होते थे, आक्रमण होते थे प्राचीन काल में, तो सारे कहाँ होते थे? खैबर दर्रे में। और खैबर दर्रे से ही होने का कारण क्या था? कि खैबर दर्रा था, है ना, वहां से आना जाना आसान था, राइट। दूसरा कि पहले समुद्री खोज ही नहीं हुई थी, समुद्री नौवाहन की, है ना, तो घूम कर आना बड़ा मुश्किल था, तो ये लैंड एरिया से आ जाना बड़ा आसान था, इसीलिए जितने भी हमारे आक्रमण हुए, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम का हो, है ना, नादिर शाह वगैरह का हो, सारे किस हुए हैं खैबर दर्रे को क्रॉस करके ही हुए हैं। तो खैबर दर्रा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है ना। तो पूछा गया है कि खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है पेशावर, लाहौर, क्वेटा या तक्षशिला। तो आपको हम खैबर दर्रा दिखा देते हैं, है ना, खैबर दर्रे का मैप दिखा देते हैं, उससे आप लोकेट कर पाएंगे कि खैबर दर्रा कहाँ पे होगा। ये क्या है? खैबर दर्रा है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो उत्तर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है हमारा खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, और इसी के पास ही पेशावर है। कौन सा है? पेशावर, पेशावर है, यहाँ पे क्या है? पेशावर। तो सबसे नजदीक, नजदीक क्या है? पेशावर ही है ना। यहाँ पे लोकेशन नहीं दी गई है पेशावर की। ये क्या है? खैबर दर्रा, देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है, राइट। तो यहाँ पे खैबर दर्रा था, यहीं से मोस्टली आक्रमण होते थे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कहाँ पे है? तो पेशावर इसके सबसे नजदीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। चलते अगला, अगला है, नीचे दो कथनों में दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, मतलब कारण और उसको बताना है। कथन क्या दिया गया है? कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। दूसरा है, कारण क्या दिया गया है कि कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। आपको बताना है सही है कि नहीं। देखिए ब्लैक होल क्या है? तारा, जो कि तारा, तारा होता है जिनकी अपने प्रकाश क्षमता होती है, अगर तारा
मृत्यु अवस्था में जाता है तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल। उसकी अंतिम अवस्था क्या है, ब्लैक होल। और ब्लैक होल में इतना ज्यादा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है ना, इतना ज्यादा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है कि वो अपने से बाहर किसी को निकलने ही नहीं देता, सारा ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, उसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है, दूरबीन वगैरह किसी से नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अपने उससे गुजरने ही नहीं देता, वो चाहे विद्युत चुम्बकीय किरणें हो, कोई भी किरणें हो, वो अपने आप से गुजरने नहीं देता, है ना, है ना, राइट। तो पूछ लिया गया है हमारा, तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश की कोई भी किरणें नहीं निकलने देता। तो ये हमारा सही है और हमारा एक गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। अब दिखा देते हैं आपको मैप के माध्यम से, थोड़ा सा इमेज के माध्यम से, कि हमारा तारों का, है ना, देखिए ये हमारा तारा है ना, ये क्या, आप हाइड्रोजन हीलियम प्लाज्मा से बना होता है, यहीं से, और यहीं से क्या होता है, तारे का निर्माण होता है ना, तारे का निर्माण होता है। अगर मैसिव स्टार बनता है तो ये अवस्था में पहुंच जाता है ना, रेड सुपर ग्रांट में, है ना, उसके बाद सुपरनोवा, फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है, ब्लैक होल का होता है। दो ऑप्शन होते हैं, सुपरनोवा के बाद सितारा क्या होता है, तारा क्या होता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूट्रॉन स्टार में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर जो नॉर्मल तारा होता है, जो एवरेज मास स्टार होता है, वो रेड ग्रांट में परिवर्तित होता है, उसका ये क्या है, इसके क्रम अवस्था है, तारे की एज की क्रम अवस्था है। पहले तारा बनता है, फिर रेड ग्रांट में जाएगा, फिर प्लैनेटरी नेबुला में चेंज हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, व्हाइट डार्क, राइट। ये क्रम है किसी भी तारे का, जो जीवन काल होता है वो जीवन काल दिखाया गया है। तो सुपरनोवा जीवन काल में पहुंचता है अगर तारा, तो उसके पास दो दो तरीके से बढ़ सकता है, वो तो ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा या ब्लैक होल में। तो यही क्वेश्चन बना था, ब्लैक होल में इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी ज्यादा अधिक होती है, इतनी ज्यादा अधिक होती है, किसी को भी अपने से पार नहीं जाने देता, सारा सब कुछ क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन, एक गलत है परंतु आठ सही है। नेक्स्ट पूछा गया है कि भूगोल में नौ नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था, है ना, ली का नाम प्रवजन सिद्धांत से संबंधित है ना, तो आपको बताना है इनमें से क्या सही है, इनमें से क्या सही है। भूगोल में नौ नियतिवाद, है ना, नौ नियतिवाद सिद्धांत तो जी टेलर ने दिया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। ली का प्रवजन सिद्धांत, है ना, प्रवजन सिद्धांत क्या कहता है, प्रवासी सिद्धांत, ये अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है, अस्थाई भी और अस्थाई भी, ये इनका कहना था, ली महोदय का, है ना, तो ये भी बात सही है, दोनों ही बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट, क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट, ए और दोनों, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, बंदरगाह दे दिया गया है और देश दे दिया गया है, पोर्ट डायमंड कनाडा, इगार का रूस, याकोहामा जापान, रॉटरडम नीदरलैंड। क्वेश्चन क्या था हमारा, पूछा गया है कि बंदरगाह और देश दे दिया गया ना, तो बंदरगाह आपको बताना है किस देश में है। अगर इगारका की बात करें तो इगारका रूस में ही है, ये बिल्कुल सही, इगारका कहाँ का है, ये रूस का बंदरगाह है। याकोहामा ये नाम से ही लग रहा होगा ना, याकोहामा ये जापान का ही बंदरगाह, बिल्कुल सही है। राटरडम ये नीदरलैंड का भी, नीदरलैंड का ही है, ये भी सही है। लेकिन पोर्ट डायमंड क्या है, साउथ अफ्रीका का है, किसका है, साउथ अफ्रीका का है ये, तो ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए, क्योंकि पूछा ही गया था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक चीन में स्थित नहीं है, ऑप्शन है अनसन, कैप्टन, किंगकी और वुहान। तो अनसन, कैप्टन, वुहान, वुहान तो आपको पता ही है, अगर कोविड-19 की बात करें तो सबसे पहले कहां से निकल कर आया था, ये वुहान चेस से ही आया था, तो ये कहाँ का है, चाइना का है। किंगकी कहाँ का है, ये जापान का है, कहाँ का है, ये जापान का, बाकी सारे चाइना के हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, किनकी कहाँ का है, जापान का है,
और अनसन कैक्टन वुहान, ये सारे कहां के? चाइना के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना आयन मंडल में नहीं होती है? तो आपको बताना है आयन मंडल में कौन सी घटना नहीं होती। पहला ब्रह्मांड किरणों का परिरक्षण, दूसरा मौसम संबंधित घटनाएं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, है ना। तो आपको बताना है कि आयन मंडल में कौन सी घटना नहीं होती है। आयन बताना है कि आयन मंडल में नहीं होता है, है ना। तो थोड़ा सा आपको ले चलते हैं विभिन्न लेयर्स दिखा देते हैं आपको आयन इसके ब्रह्मांड के। अगर हम लोग देखें तो ये क्या है हमारा, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये 8 किलोमीटर ध्रुव में, अगर ध्रुव के ऊपर 8 किलोमीटर जाएंगे तो आपको क्षोभ, एक मिनट, ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल कितने में फैला हुआ है, तो 8 किलोमीटर अगर ध्रुवी क्षेत्र में जाएंगे तो 8 किलोमीटर पर मिल जाता है, और 18 किलोमीटर तक मिलता है हमारा विश्वती क्षेत्र में, विश्वत रेखा क्षेत्र में, है ना। जो विश्वत रेखीय क्षेत्र है उसमें क्या है, ये 18 किलोमीटर तक भी मिलता है ना। तो ये क्या है हमारा, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, उचाल वर्षा हो, बादल का गरजना हो, है ना, सारे जो क्लाउड्स वगैरह बनते हैं सारे कहाँ पे बनते हैं, क्षोभ मंडल में बनते हैं ना। ये बात आप याद रखिएगा, अगर मौसम में परिवर्तन वगैरह होता है तो सारा किस में होता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर तक क्या मिलता है हमारा समताप मंडल मिलता है। क्या मिलता है, समताप मंडल। क्या मिलता है, समताप मंडल मिलता है, है ना। और यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और यहाँ पे एक बादल का निर्माण होता है, कौन से, मुलाभ बादल, मुलाभ मेघ, मुलाभ बादल का निर्माण होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि मुलाभ बादल कहाँ पे बनते हैं, तो वो समताप मंडल में बनते हैं, राइट। कहाँ पे बनते हैं, समताप मंडल में बनते हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मिलता है क्या हमारा, मध्य मंडल। कौन सा, मध्य मंडल। क्या मिलता है, मध्य मंडल। ये कितने किलोमीटर तक है, ये 80 किलोमीटर तक है। कितना है, 80 किलोमीटर तक है। क्या मिलता है, मध्य मंडल मिलता है। अगर हम लोग मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे, है ना, मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या मिलता है, आयन मंडल। क्या मिलता है, आयन मंडल। आयन मंडल कहां से फैला हुआ है, तो 400 किलोमीटर तक। कितना, 400 किलोमीटर तक हमारा आयन मंडल फैला हुआ है। समताप मंडल में ही अगर आप क्वेश्चन आ जाता है ना कि जो आदर्श अवस्था होती है वायु परिवहन का, तो वायुयान का सबसे आदर्श वायुयान यहाँ पे उड़ते हैं, है ना, वायुयान वगैरह उड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो बहुत सुरक्षित स्थान होता है समताप मंडल, राइट। दूसरा क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी सैटेलाइट वगैरह है ना, दूर संचार, है ना, संचार माध्यम, जितना भी टीवी का हो, रेडियो का हो, है ना, सैटेलाइट वगैरह कहाँ के हैं, उपग्रह वगैरह यहीं पे स्थापित होते हैं ना, रेडियो संचार, है ना, टेलीविजन संचार, ये सब किस में होता है, आयन मंडल में होता है। और ध्रुवीय प्रकाश क्षेत्र, है ना, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश क्षेत्र भी यहीं पे आता है, ध्रुवीय प्रकाश क्षेत्र, है ना, ध्रुवीय प्रकाश क्षेत्र यहीं पे बनता है, है ना, प्रकाश क्षेत्र। ये सब कहाँ के हैं, आयन मंडल के हैं। कहाँ के हैं, आयन मंडल के। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है हमारा बहिर्मंडल। क्या आ जाता है हमारा, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या है कि हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता हो जाती है ना, और जो वायुमंडलीय दाब क्या है, नगण्य हो जाता है। बहिर्मंडल मतलब 400 के ऊपर जितना भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है हमारा, बहिर्मंडल कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जिससे कि आपको स्पष्ट, सारे जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, है ना, वो कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में। कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में। तो क्वेश्चन क्या था,
क्या नहीं बनता है? तो मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, वो कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में, है ना। ये बात आपको इसमें याद रखनी है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, है ना। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं इसी का, है ना, मैंने इमेज लिया हुआ है, थोड़ा सा दिखा देंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। ये क्या है हमारा? ट्रोपोस्फेयर है हमारा, क्षोभ मंडल, है ना। क्या है हमारा? क्षोभ मंडल है ना। ये वायुयान का सबसे आदर्श अवस्था कहाँ पाया जाता है? ये हमारा समताप मंडल में। ये क्या है? समताप मंडल है, समताप मंडल है ना। मेसोस्फेयर जो मध्य मंडल, मध्य मंडल में ही जो उल्कापिंड वगैरह आके यहीं पे जल जाते हैं, मध्य मंडल में ही जल जाते हैं ना, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। थर्मोस्फेयर जो कि आयन मंडल है, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है ना, है ना। जो एरोरा वगैरह बनता है ना, ये सब कहाँ पे बनता है? ये थर्मोस्फेयर में बनता है, राइट। मौसमी संबंधित घटनाएं ये सारे कहाँ पे होते हैं? समताप क्षोभ मंडल में। ये क्या है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। इमेज से आपको और भी क्लियर हो रहा होगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? सिम्पसन, ग्रैंडी, सैंडी या मुजावे, है ना। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट या मरुस्थल नहीं स्थित है, है ना। सिम्पसन हो गया, सैंडी हो गया, ग्रैंडी हो गया, मोजावे। हम आपको ले चलेंगे कहाँ पे? मैप पे। मैप से पढ़ना थोड़ा आसान रहता है। ये क्या है? ये सारा क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, राइट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है। ये सब बेसिक बातें हैं ना। किसी भी कोई भी कॉन्टिनेंट पड़ रहा है, कोई भी द्वीप पड़ रहा है, तो उसके पहले चारों तरफ देखिएगा कौन सा महासागर है, कौन सा सागर है। तो इसे कोरल सागर है ना, एग्जाम में आया हुआ, कोरल सागर, तिमोर सागर, है ना। और कौन सा है? और कौन सा है? तस्मानिया, तस्मान सागर, है ना। नाम सुना होगा, लोकेशन भी देख लीजिए, तस्मान सागर है यहाँ पे, कोरल सागर है, राइट। अराफुआ सागर है, इससे सब क्या है? बांदा सागर, ये सब क्या है? इसके चारों तरफ ये सागर है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से डेजर्ट है, कौन कौन से मरुस्थल है, तो पहले अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ना, गिप्सन है ना, गिप्सन है, बृहद विक्टोरिया मरुस्थल है। देखिए बृहद विक्टोरिया मरुस्थल है ना, और ग्रेट विक्टोरिया झील कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो याद रखिएगा, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल है ना, ये सब कहाँ के हैं? सारे कहाँ के हैं? ये सारे तनामी मरुस्थल, ये मेनली मरुस्थल है, 1, 2, 3, 4, 5। सिम्पसन मरुस्थल 6, है ना। सिम्पसन ये क्वेश्चन में ऑप्शन में था ना, सिम्पसन मरुस्थल। तो ये सारे क्या है? ये मेन क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी, गिप्सन, बृहद विक्टोरिया, स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन और तनामी, है ना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ग्रेट सैंडी, गिप्सन, बृहद विक्टोरिया, स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन मरुस्थल और तनामी, है ना। तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया, गिप्सन और सैंडी, है ना। तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, बृहद विक्टोरिया, गिप्सन एंड सैंडी, है ना। ये बात आपको इसमें याद रखने का। देखिए क्वेश्चन में आता है ना किम्बर्ले पठार, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बर्ली पठार, है ना, किम्बर्ली पठार, राइट। ये आपको याद रखना है। और यहीं पे क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा कहाँ पे स्थित है? ये यहाँ पे स्थित है, कैनबरा, ओके। ये बात आप, तस्मानिया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही क्या है? तस्मानिया है, ठीक है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वहां पे मरुस्थल नहीं है। देखो सिम्पसन था, सैंडी था, ग्रैंडी था, लेकिन मुजावे मिला नहीं, मिला ना। गिप्सन हो गया हमारा, तनामी भी मिला था, स्टुअर्ट भी मिला था, लेकिन हमारा मुजावे नहीं मिला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। मुजावे कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, सॉरी अमेरिका का है ना, कहाँ का है? अमेरिका का है। मुजावे कहाँ का है?
अमेरिका का है ना, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि नगर दे दिया गया है, साथ ही साथ सामने नदियां दे दी गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी के किनारे पे हमारा महासागर जुड़ा हुआ है ना, सॉरी नदी। तो वारसा, वारसा पोलैंड का है, तो इसके वारसा किस नदी किनारे है, तो विस्चुला नदी किनारे है, राइट। काराकास, काराकास कहाँ पे है, कीव मैड्रिड है ना, कीव मैड्रिड, क्यू मैड्रिड। क्यू कहाँ पे है, नीपर नदी। क्यू कहाँ पे है, ये यूक्रेन पे, यूक्रेन में है। और नीपर नदी रूस से निकलती है, रूस यूक्रेन और बेलारूस में बहते हुए काला सागर में गिर जाती है ना, ये आपको इसमें बात याद रखनी है। काराकस गुएरे नदी है ना, कहाँ पे है, गुएरे नदी। गुएरे नदी वेनेजुला की है, कहाँ की है, वेनेजुला की है, वेनेजुला है ना, ये बात आपको याद रखनी है। मंजा नरेश, तो मैड्रिड का है ये मंजा नरेश, स्पेन है ना, मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में है। तो आपको लगा लेना है कौन कौन सा, एक का दो और बी का एक, एक का दो यही हो जाएगा हमको लग रहा है, ऑप्शन नंबर वन है ना, ऑप्शन नंबर वन। वारसा नगर कहाँ पे स्थित है, विस्चुला नदी पर। काराकास कहाँ पे है, गुएरे। कीव कहाँ पे है, नीपर नदी। मैड्रिड कहाँ पे है, मंजा नरेश नदी। और गुएरे कहाँ है, वेनेजुला देश में है ना, और मंजा नरेश कहाँ पे है, ये स्पेन में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पर विचार करें और आपको बताना है कि कौन कौन से ये क्षेत्र में उगने वाले हैं ना, मरुस्थली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है ना। जैसे कई वनस्पतियां होती हैं कि कड़ी चट्टान में उगने वाले जो वनस्पतियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, या नमकीन पानी में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, राइट। या भूमध्य क्षेत्रीय क्षेत्र में ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगने वाले, तो आप सभी को देखेंगे। पहला है क्या, मरुस्थली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को, जीरोफाइट, बिल्कुल सही है। मरुस्थली क्षेत्र में जो भी प्लांट वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, जीरोफाइट में आते हैं। दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां, हाइग्रोफाइट। लवणी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां, हैलोफाइट। तो आपको बता रहे इनमें से कौन सा सुमेलित है, सारे सुमेलित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं है ना, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, जैसे कि टोपोफाइट, 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 टोपोफाइट क्या है, कहां के टोपोफाइट देख लेते हैं, टोपोफाइट, मेसोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली है ये, क्या है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति, जलवायु वनस्पतियां हैं ये, राइट। और कौन सा, मेसोफाइट। तो हम लोगों ने अब देखेंगे मेसोफाइट, मेसोफाइट क्या होता है, मेसोफाइट उस वनस्पति को कहते हैं जहां पर शीतोष्ण, शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण जलवायु, जलवायु वाली, जलवायु वाली घास व वनस्पति, घास व वनस्पति को क्या कहा जाता है, हम लोग मेसोफाइट क्या बोलते हैं, मेसोफाइट, राइट, मेसोफाइट। और टोपोफाइट क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पतियां व घास है ना, घास भी इंक्लूड कर लेते हैं ना, घास लिखना भूल गए थे, घास व वनस्पतियां। अब देख लेते हैं क्रायोफाइट, क्रायोफाइट क्या होता है, ये टुंड्रा है ना, जो बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा शीतल, शीत क्षेत्र होता है ना, टुंड्रा और, टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों में, टुंड्रा व शीत प्रधान क्षेत्रों में, शीत प्रधान क्षेत्रों में पाया जाने वाला, क्षेत्रों में पाया जाने वाला की वनस्पतियां व घास, वनस्पतियां व घास है ना, राइट। और देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या है, तीन ऑलरेडी हमने कवर कर लिए क्वेश्चन के माध्यम से, अब उसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे ना, टोपोफाइट, मेसोफाइट, क्रायोफाइट और कौन सा है, एक लिथोफाइट है, क्या है, लिथोफाइट, लिथोफाइट
लिथोफाइट क्या होता है, ये कड़ी चट्टान में उगने वाली है। कड़ी चट्टान में, जो कड़ी चट्टान होती है, जो उस पे वनस्पति उगती है, कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति, उगने वाली वनस्पति है ना, उगने वाली वनस्पति, राइट। एक होता है हाइड्रोफाइट, एक होता है हाइग्रोफाइट, तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोफाइट है, ये क्या है, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट क्या था, नमकीन क्षेत्र में उगने वाला, दलदली क्षेत्र में उगने वाला। तो हाइड्रोफाइट क्या है, जल प्लवित। जल प्लवित मतलब क्या होता है, जहां पे जल जल एरिया ज्यादा है ना, जल का एरिया ज्यादा है, जल से ढका हुआ क्षेत्र, तो वहां पे उगने वाली जल प्लवित प्लवित क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति, उगने वाली वनस्पति, राइट। ठीक है, ये इतना आपको इसमें याद रखना है। क्या करना है आपको इसमें इतना याद रखना है, टोपोफाइट, मेसोफाइट, क्रोफाइट, लिथोफाइट एंड हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट है ना, हाइड्रोफाइट है। हाइग्रोफाइट क्या होता है, दलदली क्षेत्र में उगने वाली, जो दलदली क्षेत्र में उगने वाली जो भी वनस्पतियां होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, वापस चलते हैं। तो ये तीन यहां पे आपको मिल गए, जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट और हेलोफाइट, और बाकी हमने आपको उसमें करा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि, अब आने दो क्वेश्चन तभी बता पाएंगे क्या कहता है, बालकस झील कहां पर स्थित है। झील पूछा गया है कि बालकस झील है ना, बालकस झील कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान व कजाकिस्तान। तो आपको बताना है बालकस झील है ना, बालकस झील कहां पर स्थित है। आरओ आरओ पीसीएसओ हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है बालकस झील। तो बालकस झील कहां पर है, ये कजाकिस्तान में है। कहां पे है, कजाकिस्तान में। कहां पे है, कजाकिस्तान में। थोड़ा सा देख लेते हैं झील के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं झील के बारे में। अगर पूछ ले है ना कि सबसे सबसे स्वच्छ जल की, स्वच्छ जल की झील है ना, तो कौन सी है ये, सुपीरियर झील। कौन सी है, सुपीरियर, सुपीरियर है ना। कहां पे है ये सुपीरियर, सुपीरियर गलत लिख दिया मैंने ना, वर्तनी असुलती हो गई मेरी, सुपीरियर है ना, सुपीरियर, सुपीरियर है ना, ऐसे लिखा जाएगा, सुपीरियर झील, राइट, सुपीरियर झील, राइट। सुपीरियर झील कहाँ पे है, ये यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में है, जो ग्रेट लेक्स में पांच झीलें आती है ना, तो सुपीरियर झील सबसे बड़ा झील है, तो उसमें भी ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है ये विश्व का चल रहा है सारा है ना, विश्व की। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है ना, तो कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कैस्पियन। कौन सा है, कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर, राइट, कैस्पियन सागर। अगर पूछे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित झील, तो कौन सा है, टांगानिका, टाका नहीं, टीटी काका, सॉरी टीटी काका, टीटी काका है ना, कौन सी झील है, टीटी काका, टीटी काका। कहाँ पे है, कहाँ पे है ये, पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पर है बोलिविया, ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ओके, तो ये है ना, तो सबसे गहरी झील, गहरी झील तो बैकॉल झील है ना, बैकॉल झील। अगर वही पूछ ले भारत की, इंडिया की है ना, भारत के सेंस में बात कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे स्वच्छ पानी की झील, वुलर झील है ना, सबसे स्वच्छ पानी की झील, वुलर झील है ना, सबसे स्वच्छ पानी की झील, वुलर झील। और सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील चिल्का झील, चिल्का झील क्या है ये, चिल्का झील क्या है ये बताइए, चिल्का झील क्या है, ये है हमारा जो लैगून झील है ना, चिल्का झील क्या है, लैगून झील है, चिल्का झील का क्या है, लैगून झील है। अब पूछिए लैगून झील क्या होता है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में,
उड़ीसा में। लैगून झील क्या होता है ना, अगर जैसे इंडिया को देख लेते हैं, इंडिया का कोस्टल एरिया है ना, ये क्या है, हमारा महासागर है ना, महासागर, हिंद महासागर। अगर कोस्टल एरिया में जैसे कि उड़ीसा के ले लेते हैं ना, उड़ीसा में अगर जल लैंड में प्रवेश कर जाए, लैंड एरिया में प्रवेश कर जाए और यहाँ पे जल भर जाता है, और जल भरने के बाद यहाँ पे एक अवरोध उत्पन्न हो जाए जो कि फिर ये झील बन जाता है, तो ऐसी झील जो महासागर के थ्रू बनती है उन्हें क्या बोला जाता है, लैगून झील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैगून झील। तो चिल्का झील क्या है, लैगून झील है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है, पुलिकट झील वगैरह, ये सब क्या है, लैगून झील है ना। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था हमारा कि कहाँ, बालकल झील, तो बालकल झील कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन को, रायल सीमा निम्नलिखित में से किस एक का पठार दक्षिणी, एक का किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है ना, रायल सीमा क्या है, रायल सीमा। अगर थोड़ा सा साउथ इंडिया का मैप देखेंगे हम लोग, कहाँ का, साउथ इंडिया का मैप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे क्या है, ये तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार क्या है, तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार का जो दक्षिणी, देखिए दो पार्ट में डिवाइड करें तो जो जो इसका दक्षिणी भाग है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रायल सीमा। क्या बोला जाता है, रायल सीमा, रायल सीमा का पठार। तो यही है, तेलंगाना पठार का ही दक्षिणी विस्तार क्या कहलाता है, रायल सीमा का पठार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना का पठार है ना। दंडकारण्य पठार और क्या है, मालवा का पठार, बुलेनखंड का पठार, बुलेनखंड का पठार को क्या बोला जाता है, बघेलखंड खंड का पठार भी, क्या बोला जाता है, बघेलखंड का पठार भी है ना। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है ना। दंडकारण्य पठार कहाँ पे है, ये हमारा छत्तीस, वो झारखंड वगैरह में है ना, छत्तीसगढ़ मध्यवर्ती भाग में है, राइट। मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ पे है, ये हमारा महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र किसमें आता है, मालवा के पठार में आता है। और बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड में अगर अगर देखेंगे जो बीहड़ का निर्माण करता है ना, बीहड़, बीहड़ है ना, बीहड़ क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है। बीहड़ का निर्माण कौन करता है, यमुना, यमुना नदी, यमुना नदी के अपरदन से बना है बीहड़ क्षेत्र है ना, यमुना नदी और चंबल नदी, और चंबल नदी के अपरदन से बना है बीहड़ क्षेत्र। ये कहाँ पे है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र को कहते हैं, राइट। ऑलराइट, अब देख, अब दंडकारण्य क्या है, मध्यवर्ती भाग में है, कहाँ पे है, मध्यवर्ती, ये इंडिया में है, मध्यवर्ती भाग में, इंडिया के मध्यवर्ती भाग में क्या है, दंडकारण्य का पठार। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन कहता हमारा कि पूछा है नहर दे दिया गया, नदी दे दिया गया है ना, नहर और नदी है, आपको बताना है कि कौन सी नहर किस नदी पर बनी हुई है ना। तो सरहिंद नहर सतलज नदी पर, एडन दामोदर नदी, एनीकट कावेरी नदी, और दिलपाड़ा मयूराक्षी है ना। तो ये सारे सुमेलित है, नहर उसके सामने नदी, बिल्कुल सही सुमेलित है। सरहिंद नहर किस पे है, सतलज पे बना है, एडन नहर किस पे बना है, दामोदर पर बना है, एनीकट कावेरी पे बना है, दिलपाड़ा ये मयूराक्षी नदी पे बना है। देखिए सतलज नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, राक्षस ताल है ना, वहां से निकलती है। दामोदर नदी, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है ना, छोटा नागपुर। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक के पठार में, कर्नाटक के पठार का भाग है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और इसी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, मयूराक्षी नदी ये झारखंड क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है ये। त्रिकुट क्या नाम है इसका, त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट पहाड़ से कहाँ से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ से है ना, ये बात आपको इसमें मयूराक्षी नदी से याद रखनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक आपको कथन कारण है ना, भावर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं, इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है, और बताना आपको ए तथा आर दोनों सही है, आपको बताना क्या इसमें सही है। ठीक है, भावर क्षेत्र क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है ना, हिमालय के जो गिरिपद है ना, जो गिरिपद है ये क्या है, हमारा भाबर क्षेत्र आ जाता है। क्या जाता है? भाबर क्षेत्र। ये क्या है? इसमें बड़े बड़े कंकरीले क्षेत्र होता है, ये क्या है हमारा? भाबर क्षेत्र है। क्या है? भाबर है ना, भाबर, भाबर क्षेत्र है ना। फिर इसके आगे आएंगे तो ये हमारा, फिर इससे छोटे छोटे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? हमारा तराई एरिया। क्या हो जाएगा? तराई एरिया। और यहाँ से क्या है, छोटे 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 मिट्टी जड़ोल वगैरह मिट्टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? दो टाइप के होते हैं, जो नई जड़ोल होती है उसको क्या बोला जाता है? खादर, खादर, नई जड़ोल मिट्टी को, और क्या बोला जाता है? बांगर, बांगर। तो ये बांगर मिट्टी है ना, बांगर मिट्टी है। सिक्वेंस पूछ लेता है कि भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, आपको बताना है सिक्वेंस, तो ये सिक्वेंस आपको याद रहेगा, है ना। ओके ये क्या है? भाबर क्षेत्र। अब देखो यहां से नदी, मान लो नदी कोई आ रही है ना, थोड़ा सा मैं जल बना दूं ना, ये नदी आ रही है ना, यहाँ ये नदी आ रही है। अब यहाँ पे पथरीला क्षेत्र है, तो नदियां इसी के नीचे चली जाती है ना, तो नीचे नीचे बहती रहती है, पता नहीं चलता ऊपर से। अगर आप कोई ऊपर से देखे तो क्या पानी पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ नदियां फिर यहाँ पे उजागर हो जाती हैं, फिर यहाँ से दिखने लगती हैं, फिर यहाँ से दिखने लगती हैं नदियां, फिर यहाँ से दिखने लगती हैं, फिर ये खादर नया और बांगर क्या है? पुराना, है ना। तो ये नदियां यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे विजुअल नहीं हो रही है, पानी आता है इसी के नीचे, क्योंकि पथरीला क्षेत्र है ना, तो इसी के नीचे बहती रहती हैं, पता नहीं चलता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाबर क्षेत्र में नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त नहीं होती, उसके नीचे से नदियां जा रही होती हैं, उसके नीचे से पानी जा रहा होता है, क्योंकि पथरीला भाग होता है, कंकरीले क्षेत्र होता है, तो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो यही कारण होता है भाबर क्षेत्र में जो है कि नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन आता है ना, है ना, राइट। तो दोनों ही सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, सौर मंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। सौर मंडल में किस एक को लघु सौर मंडल तंत्र कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को? कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर आराम से मिल सकता है, कॉमन सेंस से इसका आंसर मिल सकता है। पूछिए कैसे? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। यह बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा है ना, तो इसीलिए इसे लघु सौर भी कहा जाता है। और इसके बहुत सारे उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। आपको मैं थोड़ा सा अगर इमेज के माध्यम से दिखाऊं, है ना, अगर मैंने इमेज, हाँ ये क्या है? ये भाबर क्षेत्र हो गया, है ना, मैंने इमेज भी दिखाया आपको, तराई क्षेत्र हो गया, है ना, ये बांगर हो गया, और ये खादर हो गया, नई जड़ोल मिट्टी को खादर और पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर, है ना। यहाँ पे क्या पथरीला क्षेत्र है, नदियां इसी के नीचे चली जाती हैं, और फिर तराई क्षेत्र में जाकर फिर उजागर हो जाती हैं, है ना। ये देखिए, है ना, आ गया हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की बात करें सन, अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह है, जैसे कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध है। उसके बाद क्या आता है? शुक्र आता है। तो शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, या इसे भोर का तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल। अब पृथ्वी और मंगल, क्या कारण है कि मंगल पे जीवन की खोज की जा रही है ना, ऐसा क्या कारण है कि सब लोग, जितने भी हमारे विश्व के प्रमुख प्रमुख, नासा हो गया है ना, नासा हो गया, चाइना का इस पे वो अंतरिक्ष प्रोग्राम हुआ, क्यों मंगल ग्रह पे जाना चाहता है, क्यों, ऐसा क्या कारण है? देखिए जो पृथ्वी का मौसम है ना, मौसम संबंधी कि
वर्षा ऋतु आती है, बरसात आता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो पृथ्वी के समान भी मंगल में भी है। इसे 23.5 डिग्री हमारा अक्षांश पे झुका हुआ है पृथ्वी, है ना, 23.5 पे झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष के, तो वैसे ही मंगल भी अपने 25 डिग्री पे झुका हुआ है। अब 25 डिग्री पे झुका हुआ जैसे पृथ्वी का क्या है कि इसमें मौसम परिवर्तित होता है, तो ये इसमें भी मंगल में भी क्या है, मौसम परिवर्तित होता है। ये अपने धुरी पे झुका हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे 24 घंटे का एक दिन होता है और दिन रात भी होता है ना, दिन रात होता है 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन, वैसे ही पृथ्वी भी वही होता है। तो इसीलिए पृथ्वी के बाद अगर जो पृथ्वी के अनुकूलतम जीवन है तो वो कहाँ पर है, मंगल पर है। कहाँ पे है, मंगल पे। इसीलिए कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में अगर जीवन किसी ग्रह पर है तो वो क्या है, मंगल ग्रह है। क्या है, मंगल ग्रह है। क्या है, मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह। अब इसका लाल कलर क्यों है, इसका लो ऑक्साइड के अधिकता के कारण ये क्या है, लाल ग्रह दिखता है। क्या दिखता है, लाल ग्रह। उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। और मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आपको पता होगा है ना, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ना, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, राइट, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है ना, सॉरी ग्रह है, ये तो ग्रह है, शनि है। उसके बाद शनि क्या, इसके बीच में क्या, 9 वलय पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद अरुण, अरुण के ऊपर भी क्या वलय पाए जाते हैं, है ना। फिर उसके पास क्या है, वरुण। उसके बाद यम, यम को हटा दिया गया 2006 में ही हटा दिया गया, अब केवल क्या है, वर्तमान में 8 ही हमारे ग्रह है ना। तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, लघु सौर, लघु सौर तंत्र। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बड़ा, बहुत बड़ा है ये ना, लघु सौर तंत्र, है ना। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। बुध की बात करें तो सबसे छोटा है ये। अब देखो सबसे छोटा है तो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे पहले ये लगा देगा, तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है ना। और सबसे ज्यादा समय में कौन लगाएगा, वरुण। कौन लगाएगा, वरुण, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या, बहुत दूर है। तो इसका जो सर्कल बनेगा वो भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा सूर्य के चारों तरफ। तो सबसे कम समय में चक्कर कौन लगा लेता है, बुध लगा लेता है। कौन लगा लेता है, बुध लगा लेता है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या था कि सौर मंडल, हाँ, एक को लघु सौर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बृहस्पति को। क्या, किसको कहा जाता है, बृहस्पति को। बुध के बारे में एक बात याद रखिए कि सबसे छोटा ग्रह है ना, और सूर्य के सबसे ज्यादा परिक्रमा लगा लेता है। उसके इसके ऊपर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र है ना। शुक्र ग्रह, ये पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको, पृथ्वी का बहन, है ना, ये बात याद रखिएगा, बहन। और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा, सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, या भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा, है ना। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को। मंगल को आप जानते ही हैं कि पृथ्वी के समान ये अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, ये अगर पृथ्वी के बाद और अगर कहीं जीवन संभव है तो वहां पे है, मंगल पे है, राइट। बृहस्पति के बारे में भी याद रखिएगा, राइट, ओके। चले, अगर पूछे कि बृहस्पति की सबसे बड़ा उपग्रह, तो ज्ञानीमेड है। क्या है, ज्ञानीमेड। देखिए मंगल ग्रह पर ना माउंट एवरेस्ट, जो वर्तमान में माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में है, तो माउंट एवरेस्ट से तीन गुना ऊंचा है ना, निक्स ओलंपिया। क्या है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया एक पर्वत है, वो कहां पर स्थित है, मंगल पर स्थित है। कहां पर, मंगल पर। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। अब दे दिया गया है हिमनद, दे दिया गया नदी, दे दिया गया है, और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, ओके। सियाचिन तो नुब्रा, ये तो बहुत कॉमन सा है, पता ही होगा आपको। जेमू तिस्ता रिवर, बंदरपूछ यमुना, मिलाम चेनाब। तो मिलाम है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलाम किसमें है, गौरी गंगा रिवर पर, गौरी गंगा रिवर पर है,
गौरी गंगा रिवर पर है, मिलाम हिमनद कहाँ पे है, गौरी गंगा हिमनद निकलती है मिलाम हिमनद से, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बंदरपुर से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, गंगा, गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगा, है ना, गंगा। ओके, जेमू, जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी, और सिक्किम में तिस्ता नदी को बोला जाता है जीवन रेखा, तिस्ता नदी को क्या बोला जाता है, जीवन रेखा, कहां पर, सिक्किम में, है ना, कहां पे, तिस्ता नदी। सियाचिन में नुब्रा नदी, ये बहुत कॉमन सा है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो अगर चिनाव की बात करें तो चिनाव किस ग्लेशियर से निकलता है, तो बारा से, बारा सिरगी से, बारा सिरगी ये ग्लेशियर से निकलता है चेनाब, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। पूछा सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है, एक पश्चिमी तट पर स्थित है, जंजीरा, एन्नौर, तूतीकोरिन, हल्दिया। तो आपको बताना है कि कौन सा एक पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित है ना। तो थोड़ा सा आपको ले चलते हैं, आज ही सारा आपको खत्म कर देंगे, जितने भी बंदरगाह हैं, है ना, जितने भी बंदरगाह हैं सारा खत्म, क्योंकि बंदरगाह है। अब ये मत बोलिएगा कि मैम पूरा मैप बनाइए इंडिया का, क्योंकि कोस्टल एरिया हमारा साउथ इंडिया में ही है ना, तो साउथ इंडिया का आधा मैप बना लेते हैं, है ना, आसान रहता है हमारे लिए भी, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं, है ना। ये क्या है, हमारा साउथ इंडिया, आधा इंडिया है ये हमारा भी। अब स्टार्ट करते हैं इस साइड से, ये क्या है हमारा पश्चिम घाट है, और ये क्या है हमारा पूर्वी घाट। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहां पे मिलती है वो कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, ये तो पता ही होगा ना, नीलगिरी पहाड़ी। तो पहले हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट के, ये क्या है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। अब देख लेते हैं इधर के पहले रिवर, वो सॉरी बंदरगाह। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह को हम लोग, इसका नाम बदल गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है इसको। कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल, कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता का, कोलकाता पोर्ट का नाम, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। उसके बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा का कौन सा है, पारादीप, क्या आता है, पारादीप, पारादीप कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, 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 राइट। और क्या है हमारा, फिर ये है हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एन्नौर है, एन्नौर है, तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन है, और कौन सा है, और एक और है चेन्नई, क्या है, चेन्नई। ये सब क्या है, ये पूर्वी घाट के हमारे सारे, ये क्या हो गए, क्या हो गए भाई, ये बंदरगाह हो गए, है ना। अब आ जाते हैं हम, तो कहाँ है ये, कौन सा क्षेत्र है, केरल, केरल में कौन सा है, कोच्चि है, कौन सा है, कोच्चि है। और ये क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा है, मैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह। और ये क्या है, गोवा, गोवा में कौन सा है, मार्मा गोवा। देखो मार्मा गोवा याद करना आसान है ना, हमने तो ऐसे ही याद किया था कि मार्मा गोवा, तो ये कहाँ होना चाहिए, गोवा में ही होना चाहिए, तो गोवा का बंदरगाह क्या है, मार्मा गोवा। फिर आ जाता है हमारा, ये हमारा क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दो हैं, एक तो है मुंबई, मुंबई, और दूसरा कौन सा है, नेहावा शोवा, नेहावा शोवा को जवाहरलाल बंदरगाह भी बोला जाता है इसको, जवाहरलाल, जवाहरलाल बंदरगाह भी बोला जाता है, इसका उपनाम है। और यहाँ पे क्या है, कांडला, क्या है, कांडला, कौन सा है, कांडला, कांडला कहाँ पे, गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में। और इसका नाम क्या है कांडले का, दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, उपाध्याय बंदरगाह, है ना। इसके सारे उपनाम भी बता दिए और लोकेशन भी आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बंदरगाह है। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा था, बंदरगाहों में कौन सा एक पश्चिम तट पर स्थित है, पश्चिम तट पर स्थित है बताना था, तो कौन सा हो जाएगा। देखो एन्नौर कहाँ है, तमिलनाडु में, तूतीकोरिन कहाँ पे, तमिलनाडु में, हल्दिया कहाँ पे है, हल्दिया कहाँ पे है, हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल है ना, हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। जंजीरा, जंजीरा कहाँ पे है, ये गुजरात में है, कहाँ से, क्योंकि छोटा बंदरगाह है, हमें मुख्य मुख्य ही बंदरगाह बताएं आपको, है ना। जंजीरा कहाँ पे है, ये जंजीरा ये गुजरात में है, और कोलकाता के पास हल्दिया, जानते ही आप हल्दिया, हल्दिया ये भी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा पश्चिम तट पर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए है ना, बाकी सारे कहाँ है, पूर्वी घाट पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है आपको बताना है, श्योक नदी, जास्कर नदी, स्पीति नदी या सतलज नदी, तो आपको बताना है सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में स्थित क्या है। देखिए अगर इसका अगर सीक्वेंस मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ है, पहले श्योक नदी है, उसके बाद जास्कर नदी है, उसके बाद स्पीति नदी है, उसके बाद सतलज नदी है, तो बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ है उत्तर से दक्षिण में। तो पूछा गया है कि सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा हो जाएगा, सतलज, क्या हो जाएगा, सतलज। सबसे ऊपर कौन सा है, ये नदी श्योक नदी है, उसके बाद कौन सी है, जास्कर नदी, उसके बाद स्पीति नदी, फिर उसके बाद सतलज नदी। तो पूछा गया सबसे दक्षिण में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, सतलज नदी, कौन सा, सतलज नदी, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किंगरी और विंगरी दर्रा अवस्थित है, किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में और सिक्किम में, तो आपको बताना है कहाँ पर ये दर्रा स्थित है, किंगरी और विंगरी दर्रा, किंगरी और विंगरी दर्रा है ना, तो ये हमारा स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे, मैप के माध्यम से आपको डिटेल में बता दे ना सारे दर्रे, जितने भी दर्रे हैं है ना, जितने भी दर्रे हैं आपको मैं बता दूं, अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाएं, है ना, ये क्या है हमारा लद्दाख है, ये क्या है कश्मीर है, है ना, तो आपको बता दें कि लद्दाख, ये लद्दाख का क्षेत्र है, तो इसमें कौन सा है, जो जिला, कौन सा है, जो जिला दर्रा है ना। अब पहले जो जिला दर्रा कहाँ आता था, जम्मू कश्मीर में आता था, क्योंकि 2019 में लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्षेत्र दो अलग यूटी बन गए हैं, तो अभी किस में आ जाता है हमारा, ये इसमें आ जाता है लद्दाख क्षेत्र में, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दो अलग अलग बन जाते हैं, है ना, ओके, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, काराकोरम, काराकोरम और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन सा हो गया, पीर पंजाल, पीर पंजाल है ना, और कौन सा, बनिहाल, बनियाल दर्रा, ये सब कहाँ पे है, कश्मीर में है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है, क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा, सिपकिला, सिपकिला और रोहतांग, कौन सा, रोहतांग, रोहतांग। और यहीं पे क्या है हमारा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, एक तो माना है, नीति है, माना नीति, लिपुलेक, लिपुलेक है ना, और निपलेक हो गया है, माना दर्रा। अब देख लेते सिक्किम में, सिक्किम में थोड़ा नाम से कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे जो जिला है यहाँ पे क्या है, जैपलेला, जैपलेला है ना, नाथुला, नाथुला, ये सब कहाँ पे है, ये सब है हमारा सिक्किम में, कहाँ पे है, सिक्किम में। अगर हम लोग बात करें ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में एक है हमारा यांगयाब दर्रा, यांगयाब दर्रा, दिफू दर्रा और बॉमडिला, बॉमडिला, बॉमडिला है ना,
अगर आप बात करें है ना, तो ये सारे कहाँ के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, राइट। और महाराष्ट्र में भोर घाट है ना, भोर घाट है ना, ये सब कहाँ के हैं। और केरल में कौन सा है? सेन्नेकोट्टा कहाँ का है? दर्रा, ये है केरल में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो किंगरी और विंगरी ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश के एक तिहाई क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है? राष्ट्रीय वन नीति 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1988, या राष्ट्रीय वन नीति 1894। तो आपको बताना है कि एक तिहाई, देखिए अगर 100% लैंड एरिया है, मान लेते हैं 100% है, तो उसमें 33% है ना, 100% लैंड का 33% वन होना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वन अनिवार्य कर दिया गया। तो ये किस 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 किसके किस एक्ट के माध्यम से? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के माध्यम से। 88 में कहा गया, 1988 के राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया कि जितना भी लैंड एरिया है हमारा, जितना भी लैंड एरिया है उसका उसका 33% क्या होना चाहिए, उस पर वन और वनस्पति होना चाहिए, है ना, वन और वनस्पति होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगला। वर्तमान में कितना है? 24% है ना, 24 पॉइंट समथिंग% क्या है अभी वर्तमान में? कितना है? 24 पॉइंट समथिंग है ना, या एग्जैक्टली याद नहीं मुझे कितना है, लेकिन 24% है अभी वन क्षेत्र। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में, सबसे कम हरियाणा लेटेस्ट है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जड़ोल मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, काली मृदा एक अनुपजाई मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता काफी कम है ना। तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जड़ोल मृदा एक क्षेत्रीय मृदा नहीं है, बिल्कुल गलत है। काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है, बिल्कुल गलत है, और जिसमें पानी की धारण करने की क्षमता काफी कम है। काली मिट्टी की विशेषता ही है कि इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, गीली होने पर ये बहुत चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसीलिए सूखने पे क्या होता है ये, इसको कहा जाता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी, है ना। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है काली मृदा में, और काली मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो काली मृदा, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं मृदा के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग मृदा के बारे में, जैसे कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत में, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाई गई जितनी भी मृदा होती है वो क्या होती है? जलोढ़ मृदा होती है ना, जलोढ़ मृदा होती है। ये 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ना, 12 लाख सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, लगभग 43%। अगर 100% में 43% को एरिया कवर करता है हमारा जलोढ़ मृदा। क्या करता है? जलोढ़ मृदा, है ना। और नई खादर मिट्टी को, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर। क्या कहा जाता है? खादर। और पुरानी को क्या बोला जाता है? बांगर। क्या बोला जाता है? बांगर। ये बात आप इसमें याद रखिएगा ना। और इसमें बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ना, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, राइट, है ना। और इसमें लेकिन कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की। क्या होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी होती है ना, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ह्यूमस की कमी होती है। बाकी क्या है, काफी उपजाऊ मिट्टी है, इसमें गेहूं चावल, है ना, ये सारे प्रमुख खाद्य उत्पादन किए जाते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लैक सॉयल, ब्लैक मृदा के बारे में, काली मिट्टी।
काली मिट्टी, काली मिट्टी तीसरा, मतलब अगर एरिया वाइज पूछे तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी पाई जाती है, फिर तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन सी आती है हमारी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इस पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? कपास की खेती बहुत अच्छी होती है इसमें, है ना, कपास की खेती बहुत अच्छी होती है इसमें, ये बात याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र, ये सब क्या है। और इसे जैसे मैंने बताया था, स्वतः जुताई की मिट्टी, स्वतः जुताई की मिट्टी, है ना, ये याद रखिएगा, स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता। ओके, बढ़ते अगला, थोड़ा सा देख लेते हैं लाल मिट्टी के बारे में, मुख्य मुख्य मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। लाल मिट्टी, पहली बात तो ये लाल मिट्टी क्यों होती है? लोह ऑक्साइड के कारण, इसके कारण लोह ऑक्साइड, ऑक्साइड के कारण, लोह ऑक्साइड के कारण सूखी रहने पे पीली दिखती है, अगर इसे पानी मिल जाता है तो रेड कलर की हो जाती है ना। और क्या इसमें याद रखिएगा, है ना, ये अत्यधिक निछालित मिट्टी है, अत्यधिक निछालित मिट्टी, मतलब जब पानी बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टी बह जाती है, निछालित मिट्टी है ये, है ना, जो ऊपर की मिट्टी बह जाती है, नीचे जो बचता वही होता है निछालित, निछालित मृदा होती है ना। इसमें सर्वाधिक ये कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक तमिलनाडु, है ना, कहाँ पे? तमिलनाडु में पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब जगह क्या पाई जाती है? ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ओके, और इसमें कौन कौन सी खेती होती है? जैसे तंबाकू की खेती हो गई, बाजरे का खेती हो गया, है ना, गेहूं का हो गया, बाजरा, मोटा अनाज, गेहूं। मोटा अनाज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो पोषक तत्व, तो मिट्टी के पोषक तत्व तो अगर खराब भी होता है तो भी ये मोटे अनाज का उत्पादन हो सकता है, इसीलिए सरकार बहुत प्रमोट करती है। मोटे अनाज को ही अन्नश्री कहा गया है हमारे बजट 2023-24 में। राइट, नेक्स्ट, डी ऑप्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था। दूसरा है, इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। आपको बताना इनमें से कौन सा इसमें सही है। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है, इसमें दोनों सही है। RLEGP का पूरा फुल फॉर्म क्या है? रूरल, फिर क्या है? लैंडलेस, क्या है? देखो, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी, है ना, ये गारंटी वाला था, गारंटी प्रोग्राम, क्या है? प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम था ये, है ना, प्रोग्राम था, ठीक है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, है ना। कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1983 को स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में लाभप्रद, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार का सृजन करना, उत्पादक संपत्तियों का सृजित करना तथा जीवन की महत्वपूर्ण गुणवत्ता में सुधार करना, जीवन के जो महत्वपूर्ण, है ना, जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता का विकास करना, राइट, इसका उद्देश्य था। और कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त
1983 को, 15 अगस्त 1983 को, है ना। इतनी बात आपको उसमें याद रखनी है। और इसमें केंद्र सरकार का कितना था, 100% हिस्सेदारी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक और दोनों सही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है। दूसरा, आशा उसी गांव में कोई महिला होती है। असत्य कथन बताना है आपको, बताना असत्य कथन, जो कि दोनों ही सही है, जो कि असत्य कथन बताना है तो ना तो एक होगा ना ही दो होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आशा क्या होती है, आशा उसी गांव की वुमेन होती है, उसी गांव की लेडी होती है, उन्हीं को आशा बनाया जाता है। और ये क्या काम करती है, ये सहायिका होती है, महिला स्वास्थ्य सहायिका जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में रहती है। क्या होता है, जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में, समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में एक कड़ी के रूप में ये काम करती है। दोनों ही बात सही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई पेंशन स्कीम एनपीएस वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी अनिवासी, एनपीएस का सदस्य हो सकता है। ये बिल्कुल बात सही है, दोनों ही बात सही है ना। जो कि क्या पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया है, असत्य। जो कि बात सही है तो असत्य, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बिल्कुल ये दोनों ही बात सही है ना। नई पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही है, केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। पहली बात तो ये बोल सकते हैं कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है, वित्त मंत्रालय के। इसमें लाभार्थी की एज कितना हो, 18 से 65 वर्ष क्या होना चाहिए, 18 से 65 वर्ष, निवासी और अनिवासी, NRI, है ना। ये सब क्या है, एनपीएस का लाभ उठा सकते, सदस्य हो सकते हैं, दोनों ही बात सही है। असत पूछा गया था इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण आपको बताना है क्या सही है। भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा, दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। आपको बताना है क्या सही क्या है, क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें बताना आपको क्या सही है ना। कारण आपको बताना है, दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, तो आपको बताना है कि क्या सही होगा इसका, है ना, क्या सही होगा। देखिए, भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। भूमि विकास बैंक, है ना, भूमि विकास बैंक ये एक दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ग्रामीण में। ग्रामीण एरिया में अगर किसी को ऋण वगैरह चाहिए तो ये दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा गया है, दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों के लिए समान है, बिल्कुल भी गलत है, है ना। सभी राज्य अपने अपने तरीके से जो दीर्घकालीन ढांचा होता है उसको अलग अलग फ्रेम करते हैं, तो ये बात गलत हो गई। हमारा कारण गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पहली बात तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्यों शुरू की गई थी, है ना। बेसिक सी बात है, किसानों की आय बनाने में, आय बढ़ाने में पहली बात तो मदद करेगा। कैसे, किसानों को ऋण उपलब्धता आसानी से मिल जाएगी। और किसान क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि जो प्रचलित ब्याज दर होता है उससे कम ब्याज दर पर किसानों को ये ऋण दिया जाता है, और क्रेडिट कार्ड बनने से आसानी से वो लोग लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। इससे तो वो जो ऋण जाल में फंस जाते थे, साहू महाजन के ऋण जाल में फंस जाते थे, उसमें नहीं फंसेंगे। दूसरा है, इनका एक औपचारिक, है ना, ये एक औपचारिक रास्ता मिल जाएगा कि वो जाके बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था किसान क्रेडिट कार्ड। कब स्टार्ट हुआ था, 1998 में, कब स्टार्ट हुआ था, 1998 में। तो पूछा गया है किस समिति की सिफारिश शुरू की गई थी, ना तो समिति का नाम बताना है, नाचिकेत मोर समिति, रंगराजन समिति, आरवी गुप्ता समिति या वी के नायर समिति। तो आपको बताना है, इस समिति का नाम बताना है, है ना, उस समिति का नाम बताना है। तो आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया था, है ना, किस सिफारिश पर, आरवी गुप्ता समिति पर। अगर नाचिकेत मोर समिति की बात करें, नाचिकेत तो ये भुगतान बैंक, है ना, भुगतान बैंक
इन सब का क्या है, ये भुगतान बैंक किसकी स्थापना नाचिकेत मोर समिति पर की गई थी, रंगराजन समिति है ना, सी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ये गरीबी गरीबी से संबंधित था, है ना, किससे संबंधित था, गरीबी के, ये कब बना था, 2007 में बनाया गया था, गरीबी निर्धारण के लिए, गरीबी निर्धारण के लिए, है ना। तो ये सारे क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरवी गुप्ता, कौन हो जाएगा, आरवी गुप्ता। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसका जो फंड कौन प्रोवाइड करता है, नाबार्ड, कौन कराता है, नाबार्ड इसका प्रबंधक इकाई है ना, सारा मैनेजिंग जो प्रबंधन का काम कौन देखता है, नाबार्ड देखता है, कौन देखता है, नाबार्ड। थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में बता दूं आपको, है ना, पहली बात तो ये 12 जुलाई 1982 को बना था, किसकी समिति पर, तो शिव रमन समिति की समिति, शिव रमन समिति की सिफारिश पर बना था, शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बना था। देखिए नाबार्ड क्या करता है, डायरेक्ट किसानों को ऋण नहीं देता, जैसे हमारा आरबीआई होता है ना, तो आरबीआई डायरेक्ट जनता को ऋण नहीं देता, लेकिन बैंकों के माध्यम से पूरा रेगुलेट करता है। वैसे भी क्या, नाबार्ड, नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी एक समझ लीजिए कि बैंक है, लेकिन ये डायरेक्ट ऋण नहीं देता, ये किसानों को या कृषि क्षेत्र में वित्त देने वाली संस्थाओं को ये ऋण देता है, उसको वित्त पोषित करता है। तो नाबार्ड क्या है, इसका प्रबंधन इकाई है, बाकी जैसे वाणिज्यिक बैंक हो गया है ना, भूमि विकास बैंक हो गया है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, इन सब के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड से लोग ऋण लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, नीचे दिए कथनों में से आपको एक बताना है, कारण और कथन, कथन और कारण। विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, विकास का जो भारतीय मॉडल अपनाया गया। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो राज्य में जो भी कितना उत्पादन करना है ना, देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था होती है इसके तीन मेन फैक्टर होते हैं कि किसका उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए तथा उसका मूल्य क्या होगा, है ना, ये तीन बातें, कितना उत्पादन किया जाए, किसका उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए और उसका मूल्य क्या होगा। अगर ये तीनों बातें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इसको रन करा रहा है तो वो क्या हो जाता है, हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है। अगर ये तीनों बातें कोई राज्य देख रहा है तो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है। अगर ये तीनों बातें निजी क्षेत्र भी देख रहा है, साथ ही साथ हमारा सरकार भी देख रहा है, तो वो क्या हो जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्या है कि राज्य एवं व्यक्ति दोनों ही के हितों की रक्षा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा या एमएसएमई द्वारा, मंत्रालय द्वारा। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। देखिए 2019 में इसका मर्जर हो गया था, जैसे कि हमारा सीएसओ था और एनएसएसओ था, है ना, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, इन दोनों का मर्जर हो गया, लेकिन सीएसओ अभी भी दे रहा है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी। अगर एनएसओ मिले तो भी वो भी सही है, क्योंकि 2019 में इन दोनों संस्थाओं का मर्जर हो गया। एनएसएसओ जो गरीबी देखता था, बेरोजगारी देखता था, कारण क्या था 2019 में इसका मर्ज करने का, सरकार ने कारण बताया है कि ये जो डेटा है ना, क्योंकि उस समय बेरोजगारी का डेटा बहुत ही निकल कर आ रहा था, है ना, बेरोजगार गरीबी, तो उन्होंने कहा कि ये डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये डेटा इनका सही नहीं है, इसीलिए इन्होंने सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मर्ज करके एक ही संस्था बना दिया, वो कौन सा है, एनएसओ। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी, है ना, हॉट मनी कहा जाता है, हॉट मनी किसे कहा जाता है, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई को, और जीडीआई, और क्या है, एडीआई। हॉट मनी है ना, हॉट मनी क्या होगा, हॉट मनी तो क्या होता है हमारा, एफआईआई। हॉट मनी क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII। ये हॉट मनी का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो FII होते हैं वो किसी भी शेयर मार्केट में जाते हैं लाभ कमाने के चक्कर में, कि उनको बहुत कम समय में उनको ज्यादा लाभ हो। तो किसी भी जैसे भारत के शेयर मार्केट में आए, वो 2 महीने के लिए आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाकर ये तुरंत पलायन कर, इनकी पलायन क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये तुरंत पलायन कर जाते हैं। तो इनकी पलायन करने की क्षमता के लिए इसीलिए इसे हॉट मनी कहा जाता है कि अपना लाभ लिया फिर तुरंत गए दूसरे देश या दूसरे शेयर मार्केट में, इन्होंने फिर वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इनकी पलायन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हॉट मनी। और बहुत कम समय में इनको लाभ कमाना होता है, पैसा लगाया, लाभ कमाया, निकाल के ले गए पैसा, फिर दूसरे देश या शेयर मार्केट में फिर लगा दिया, फिर वहां से लाभ कमाया, फिर हटा दिया, राइट। तो क्या होता है उसे कहते हैं हॉट मनी। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। अगर मनी की बात करें है ना, मुद्रा की, तो एक होता है गर्म मुद्रा, मुद्रा है ना। गर्म मुद्रा क्या होता है? गर्म मुद्रा क्या होता है? पहली बात, जिसकी मांग बहुत ज्यादा हो, मांग क्या हो, बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो, है ना। देखिए कोई चीज क्या होती है, अगर बहुत ज्यादा होती है और डिमांड, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस वस्तु की वैल्यू कम हो जाती है, और डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई वो वस्तु मिल नहीं रही है और जरूरत सभी लोगों को है, तो ऐसे में क्या होता है, उस वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है। तो गर्म मुद्रा क्या क्या विशेषता है कि मांग बहुत ज्यादा रहती है, सप्लाई बहुत कम रहती है। दूसरा है कि ये आसानी से दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट हो जाता है, जो इनका मुद्रा जो कन्वर्ट होता है दूसरे मुद्रा में, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तीसरा कि इनका सभी देशों पर विश्वास रहता है, सभी देश इस पर विश्वास करते हैं। जैसे गर्म मुद्रा में क्या आता है, जैसे डॉलर आ गया है ना, डॉलर आ गया, पाउंड आ गया, यूरो आ गया, ये सब क्या है? गर्म मुद्रा। क्या है? गर्म मुद्रा मुद्रा। तो हॉट मनी ये क्या है? हॉट मनी का क्या आता है हमारा? FII। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है एम विश्वेश्वरैया को, पीसी मोहल्लोबिस को, डीपी धर को, या सुखमन चक्रवर्ती को, सुखमय चक्रवर्ती को। तो क्या पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन का प्रणेता माना जाता है एम विश्वेश्वरैया को। क्या माना, किसको माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया, द प्लांड इकोनॉमी इकोनॉमी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया इनकी बुक का नाम था, है ना। बुक का नाम पूछ लेता है कभी कभी, है ना। इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का नाम है। इन्हीं पुस्तक के नाम से, इन्हीं पुस्तक के नाम से क्या हुआ कि किसकी है? एम विश्वेश्वरैया की। इसीलिए ना आर्थिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। पीसी मोहल्लोबिस है ना, ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल था इन्हीं पे आधारित था, है ना। वो पीसी मोहल्लोबिस की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, कब? 28 सितंबर, 28 सितंबर को इनकी डेथ हो गई है, 2023 को, है ना, 2023 को इनकी डेथ हो गई है, 28 सितंबर 2023 को। ये बात भी आप इसमें याद रखिएगा, है ना। भारत में कितने पंचवर्षीय योजना आए? तो 12 पंचवर्षीय योजना आए, है ना, 12 पंचवर्षीय योजना आए, 12 पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये बात आप इसमें याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि क्या कहता है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में क्या सही कथन सत्य है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ था। यस, बिल्कुल राइट है। यह छोटे एवं सीमांत किसानों के वृद्धावस्था और सार्वजनिक सुरक्षा का योजना है। बिल्कुल सही है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान को सम्मानित किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन के सारे ही सही है। इसमें 18 से 40 आय वर्ग के किसान सम्मिलित होते हैं, है ना। क्या है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2019 में। अब प्रधानमंत्री से जो भी केंद्र की योजनाएं होती हैं उनका क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाता है, तो इसमें डेट जरूर याद कर लीजिएगा कि कब हुआ था, सितंबर 2019 में। कब स्टार्ट हुआ, सितंबर 2019 में, ये बात इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा स्फीति का नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय। अब मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं, पहला है संतुलित बजट बनाना, दूसरा है प्रगतिशील करारोपण, तीसरा कठोर साख नीति अपनाना या उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए मुद्रा स्फीति क्या होता है, मुद्रा स्फीति क्या होता है कि किसी भी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से मूल्य वृद्धि को क्या कहा जाता है, मुद्रा स्फीति कहा जाता है। मुद्रा स्फीति होने पर क्या है कि मनी सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट में, मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है। डिमांड क्या हो जाता है, डिमांड भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई भी नीति अपनाता है और सरकार भी नीति अपनाता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, आदि के माध्यम से ये टूल्स है आरबीआई के, जो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगर वर्तमान में मुद्रा स्फीति की बात करें तो 4+-2, मतलब इतना मुद्रा स्फीति हो सकता है, मतलब क्या है, अधिकतम 6% और मिनिमम 2% मुद्रा स्फीति हो सकता है भारत के इकोनॉमी में। अगर आरबीआई मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करता है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि का प्रयोग करता है, जैसे भी मनी सप्लाई को वो कम करने में। अगर सरकार की बात करें तो सरकार राजकोषीय उपाय निकालता है, राजकोषीय उपाय, है ना, और जो आरबीआई के उपाय है वो दीर्घकालिक है, सॉरी लघुकालिक है, जो केंद्र सरकार के होते हैं वो दीर्घकालिक होता है। तो इनके जो उपाय सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं उनको राजकोषीय उपाय कहा जाता है। राजकोषीय उपाय में क्या होता है, वो संतुलित बजट बनाते हैं, है ना, संतुलित बजट बनाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, जैसे सब्सिडी दी जा रही तो सब्सिडी को कम करते हैं, है ना, और जैसे कि उनको मनी सप्लाई ही मार्केट से कम करना है, मनी सप्लाई कम करना है या उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाएंगे तो डिमांड उनकी पूर्ति हो जाएगी, तो उस वस्तु की कीमत नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारे होते हैं। प्रगतिशील करारोपण कर के द्वारा भी इसको नियंत्रित किया जाता है, उत्पादन में वृद्धि करना ये भी किया जाता है, लेकिन कठोर साख नीति उपाय ये आरबीआई अपनाती है। क्या करती है, ये आरबीआई अपनाती है, कौन अपनाता है, आरबीआई अपनाता है, है ना। थोड़ा सा मैं अगर बात बता दूं आपको, नए पेज से समझा देते हैं ना, मुद्रा स्फीति है ना, मुद्रा स्फीति होने का कारण क्या है कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, है ना। दूसरा क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा, लोगों के पास पैसा है तो डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। उत्पादन है ना, उत्पादन कम है तभी तो वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है ना, वस्तुओं की कीमत तभी तो बढ़ रही है। मान लेते हैं कि 10 टॉफी है, है ना, और 6 बच्चे हैं, अगर 10 टॉफी है तो 6 बच्चों को आराम से आ जाएगा। अगर ये सोचे कि दो ही टॉफी है तो क्या होगा, 6 बच्चे हैं 2 टॉफी है, इसका मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये टॉफियों की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टॉफियों की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही हमारे इकोनॉमी में होता है कि अगर वस्तु कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब सरकार क्या करती है इसको कम करने के लिए, राजकोषीय नीति अपनाती है। राजकोषीय नीति क्या होता है, ये दीर्घकालिक होता है। ये क्या है, पहली बात तो ये दीर्घकालिक होता है, लंबे समय में ये हमारे इकोनॉमी पे असर डालेगा, दीर्घकालिक होता है। दूसरा, पहला क्या है कि संतुलित बजट बनाते हैं, है ना, उत्पादन में वृद्धि
मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो पैसा कैसे जाता है, सब्सिडी वगैरह के माध्यम से। तो सब्सिडी कम करना, सब्सिडी को क्या करेंगे, सब्सिडी कम करना, अन्य व्यय कम करना, है ना, सब्सिडी कम करना, ये सारे क्या है, ये सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं, है ना। दूसरा क्या है, आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है, एक तो कठोर नीति, कठोर नीति अपनाई जाती है, दूसरा सरल नीति। कठोर नीति में क्या करते हैं, ये मुद्रा स्फीति के समय अपनाया जाता है और ये हमारा मंदी के समय अपनाया जाता है। तो मुद्रा स्फीति के समय क्या कठोर नीति अपनाया जाता है, आरबीआई। तो आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि के माध्यम से क्या करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो ये सारा क्या था हमारा, मुद्रा स्फीति संबंधित। तो क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। तो क्या करेगा, कठोर साख नीति आरबीआई अपनाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगला, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना। पहला है पीएम प्रणाम योजना, अमृत धरोहर योजना, पीएम डिवाइन योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ना, केंद्रीय बजट 2023 में, केंद्रीय बजट इस बार का कितना है, 45 लाख करोड़ का बजट बना है, 45 लाख करोड़ का बजट बना है ना, 45 लाख करोड़ का बजट बना है, ये बात याद रखिएगा। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, रासायनिक उर्वरक से, रासायनिक उर्वरक से, रासायनिक उर्वरक से, रासायनिक उर्वरक से। इसका क्या है कि मतलब किसान को रासायनिक उर्वरक कम से कम उपयोग करना है, इसके लिए पीएम प्रणाम योजना चलाई जा रही है। अमृत धरोहर ये आर्द्र भूमियों के इष्टतम प्रयोग से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पीएम डिवाइन योजना क्या है, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। एक है मिस्ट्री योजना, मिस्ट्री योजना, मिस्ट्री योजना क्या है, ये मैग्रो वन से संबंधित है, मैग्रो वन से संबंधित है, मैग्रो वन को संरक्षण और संवर्धन करने के लिए ये मिस्ट्री योजना चलाई जा रही है ना। और केंद्रीय बजट में ही श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न किसे कहा गया है, श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न किसे कहा गया है, मोटे अनाज को, इसे कहा गया है मोटे अनाज को, इसे कहा गया है मोटे अनाज को, है ना, ये बात आपको इसमें याद रखनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा दे जाता है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन को, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 39। समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है, आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है। पहला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व गुजरात। किसके समुद्री मछली उत्पादन में, किसमें है, समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है हमारा आंध्र प्रदेश, केरल एंड गुजरात। तो आपको बताना है कि समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान है ना। तो आपको आंसर देना है, देखिए समुद्री मछली उत्पादन में सबसे ज्यादा नंबर वन पे है गुजरात, है ना, इसे है गुजरात। सेकंड नंबर पे है हमारा तमिलनाडु, कौन है, तमिलनाडु। और थर्ड नंबर पे कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पे कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश। और फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, कौन सा है, गुजरात, कौन सा है, गुजरात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, महाजन और साहूकार, अड़हतिया, व्यापारी व सहकारी समितियां। देखिए संस्थागत और गैर संस्थागत में क्या डिफरेंस होता है, संस्थागत मतलब किसी माध्यम से, सरकारी या राज्य विकास बैंकों के माध्यम से हम ऋण प्रोवाइड कराते हैं किसानों को, है ना, तो वो क्या होता है हमारा संस्थागत होता है। गैर संस्थागत में महाजन आते हैं, साहूकार आते हैं, अड़हतिया आते हैं, व्यापारी आते हैं। और वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि बैंक के जितने भी सर्विस है, जितने भी सेवा है, वो गांव एरिया तक पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। इसी वजह से क्यों,
क्योंकि पहले क्या होता था कि महाजन और साहूकार अड़तिया व्यापारी वर्ग से बहुत हाई ब्याज दर पे, बहुत उच्च ब्याज दर पे किसान ऋण लेता था और उनके ऋण जाल में फंसा रहता था। इसी वजह से क्या हुआ कि संस्थागत बैंक सर्विस आने से ये सारी प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो संस्थागत में आ जाता हमारा सरकारी सहकारी समितियां, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? बैंकिंग संरचना सुधार से आपको बताना है किस समिति का संबंध है, रंग राजन समिति, मालेगांव समिति या नरसिंहन समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि किस समिति के द्वारा, किस समिति के द्वारा है ना, किस समिति के द्वारा क्या है बैंकिंग संरचना सुधार, बैंकिंग संरचना सुधार। तो बैंकिंग संरचना सुधार नरसिंहन समिति के सिफारिश पर हुआ था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। रंगराजन समिति कब आया था, 1993 में। ये वी निवेश से संबंधित था, 1993 ये वी निवेश से संबंधित था, किससे संबंधित था, वी निवेश से संबंधित था, है ना। मालेगांव ये माइक्रो फाइनेंस, क्या है, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित था, फाइनेंस। और क्या है हमारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन और कारण दिया गया है, पूछा है लॉर्ड एलन बरो के काल में सिंधु को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, दूसरा या प्रथम अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। बात दोनों ही बात बिल्कुल सही है। लॉर्ड एलन बरो, थोड़ा सा जान लेते हैं लॉर्ड एलन बरो के बारे में। लॉर्ड एलन बरो, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1842 से 44 तक रहा इनका कार्यकाल। पहला बात है कि इन्होंने सिंध पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, दूसरा प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ, तीसरा इन्होंने क्या किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, क्या किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ये भी बात इसके समय हुई थी, हमारे लॉर्ड एलन बरो के समय हुई थी। इनका कार्यकाल 1842 से 44 तक था, ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। दोनों ही सही है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी, है ना, शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले एंड दयानंद सरस्वती, है ना। तो आपको बताना है कि धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। तो धर्म तृतीय रत्न, गुलामगिरी, गुलामगिरी भी है, गुलामगिरी, ये सब किसकी हैं, ज्योतिबा फूले की हैं, किसके हैं, ज्योतिबा फूले के, किसके हैं, ज्योतिबा फूले के। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी, ज्योतिबा फूले ने करी थी, है ना। ज्योतिबा फूले ये एक जाति आंदोलन चलाया था उन्होंने महाराष्ट्र के चेत में, इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फूले था और दोनों लोग मिलकर बालिका शिक्षा पर बहुत काम किए, है ना, बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए पढ़ाते थे ये लोग। और इन्होंने 1857 के पहले पहले तक इन्होंने 3 स्कूल खोल लिए थे, लेकिन फंड ना मिलने के कारण ये स्कूल बंद हो गए। बालिका शिक्षा को ये काफी प्रमोट करते थे, है ना, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। तो ये सारी धर्म तृति तल इशारा और शिवाजी की जीवनी गुलामगिरी ये सारे किसके हैं, ज्योतिबा फूले के थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में श्री गणेश उत्सव और 1895 में, 1895 शिवाजी उत्सव और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया था, श्री गणेश उत्सव, है ना। लाला लाजपत राय, इनकी मृत्यु कैसे हो गई, ना लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, इनको सामान कमीशन के विरोध में इन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिस कारण से इनके 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। दयानंद सरस्वती था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो, है ना, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना करी, आर्य समाज की स्थापना 1875 किसने दिया, वेदों की ओर लौटो, ये दिया दयानंद सरस्वती, है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त
1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति। देखिए भारत में यूरोप, अगर हम लोग देखें यूरोप कंट्री में, यूरोप देशों के आगमन में तो सबसे पहले कौन आया था हमारा। थोड़ा सा आपको पेज भी ले चलते हैं ना, उससे चीजें क्लियर और हो जाएंगी। देखिए यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले आने वाले कौन सी कंपनी थी, पुर्तगाल थी। पुर्तगाल के वास्को डिगामा 1800, सॉरी 1800 नहीं, 1498 ईस्वी में ये कालीकट पहुंचते हैं, है ना। और ये जितना आने जाने का खर्च रहता है, यात्रा के खर्च रहता है, ये समुद्री मार्ग से आते हैं वास्को डिगामा में, 1498 में ये कालीकट पहुंचते हैं। जितना आने जाने का इनका खर्च होता है उससे लगभग जो यहाँ से ले जाते हैं काली मिर्च वगैरह, व्यापारिक सामान ले जाते हैं, वहां बेचते हैं, तो उनको 60 गुना फायदा होता है। फिर यहाँ पे और भी लोग आकर्षित होते हैं। पहले आते हैं पुर्तगाल के गवर्नर होते हैं प्रथम वायसराय कौन थे। प्रथम वायसराय अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा अल्मीडा, है ना। अल्मीडा का कार्यकाल कब से कब तक था? 1505 से 1509 के बीच में अल्मीडा का कार्यकाल रहा। इनके दो तीन काम किए इन्होंने। पहली तो शांत जल की नीति अपनाई, शांत जल की नीति। इनको निर्देश मिला था पुर्तगाल सरकार से कि आप नौसैनिक का अच्छे से इस्तेमाल करिए और हिंद महासागर में अपना आधिपत्य जमाइए। फिर इन्होंने आगे चल के परमिट जारी करवाया, है ना, जिससे कि हिंद महासागर से आयात निर्यात पर इनका पूरा नियंत्रण हो गया। शांत जल की नीति अपनाई और चौल का युद्ध हुआ, है ना। चौल का युद्ध 1508 में परास्त हुए और 1509 में इन्होंने जीत लिया, है ना, जीत लिया। ये चौल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये मिस्र के नौसैनिक मुसलमान थे और तुर्की के नौसैनिक मुसलमान थे, साथ ही साथ गुजरात के भी नौसैनिक ये मुसलमान थे, इनके बीच में ये हुआ था, है ना। 1508 में परास्त हुए, फिर 1509 में इनकी जीत हो जाती है। तो शांत जल की नीति, है ना, शांत जल की नीति। उसके बाद कौन आता है अल्मीडा के बाद कौन आता है? अल्बुकर्क। ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाल का भारत में। इन्होंने क्या किया? पहली बात तो ये 1510 में क्या किए, गोवा को छीन लेते हैं, है ना। कोचीन को अपना मुख्यालय बनाते हैं, राइट। इन्होंने क्या किया कि भारतीय पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रमोट किया कि भारतीय महिला से विवाह करें। भारतीय विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया जनसंख्या बढ़ाने के लिए, भारतीय विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया, है ना, और जिससे कि पुर्तगाली लोग भारतीय महिला से विवाह करें, जिससे कि उनकी जनसंख्या बढ़े और उनका आधिपत्य इस पर बना रहे। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। क्वेश्चन क्या था कि शांत जल की नीति, है ना, शांत जल की नीति किसने अपनाया था? अल्मीडा ने अपनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाए सी। नीनो डी कोन्हा ने क्या क्या किया था? अल्बुकर्क तो सेकंड थे, गोवा पर अधिकार किया। 1834 में बेसिन पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, बेसिन पर, है ना, 1834 में बेसिन पर अधिकार कर लिया था नीनो डी कोन्हा ने। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कोन्हा आते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, इसने कई कार्य किए थे। निम्नलिखित किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई, है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको बताना है किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो आपको युद्ध दिखा देते हैं, चारों युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। पहला युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था? 1767 से 69, है ना। किस कौन सा इसमें संधि हुआ था, कौन सा संधि हुआ था इसमें, इसमें कौन सा संधि हुआ था? मद्रास की संधि। कौन सी? मद्रास की संधि हुई थी, राइट। ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के फादर का क्या नाम था? हैदर सुल्तान,
हैदर अली 1700 ये 80 से 84 है ना, मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि, मैंगलोर मैंगलोर ही था ना, मैंगलोर की संधि। और इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, हैदर अली की मृत्यु हो जाती हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। और इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो वैरिंग हेस्टिंग, वैरिंग हेस्टिंग, हेस्टिंग्स है ना, ये गवर्नर जनरल थे। तीसरा युद्ध 1790 से 94 92 था ना, 1790 से 94 था, 90 से 94, 1790 से 92, सॉरी फॉर दैट, याद नहीं है था थोड़ा सा, 90 से 92। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, संधि हुई थी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, कार्नवालिस। अब देखिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो ये किसके किसके बीच होती है? टीपू सुल्तान के बीच में, किसके बीच होती है? टीपू सुल्तान के बीच में। अब तीसरा जो युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये होता है 1799 में, किसके कारण में? लॉर्ड वैले जली, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, आ निर्णायक रहता है, टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? चारों हमने युद्ध बता दिए आपको, क्वेश्चन क्या था कि किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम हुई थी? चौथे युद्ध के बाद हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। और दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है ना। और पहला युद्ध कौन सा है? मद्रास की संधि, मद्रास की संधि है ना, ये भी बात याद कर लीजिएगा, मद्रास की संधि। और कौन सा है? मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि है ना, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि, की संधि। और चौथा अनिर्णायक रहता है, क्योंकि इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, सॉरी टीपू सुल्तान की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं अगला, अगला क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है, पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, अहोम विद्रोह, चक्र बिश्नोई, या खासी विद्रोह, तीरथ सिंह। तो आपको बताना है, देखिए पाइका विद्रोह तो बिल्कुल सही है ना, पाइका विद्रोह बिल्कुल सही है, ये उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ हुआ था? उड़ीसा में, उड़ीसा में हुआ था है ना, कहाँ पे हुआ था? ये उड़ीसा जगह पे हुआ था। और ये कब से कब तक हुआ था? 1817 से 1825, 1817 से 1825 के बीच में हुआ था, ये 25 के बीच में हुआ था उड़ीसा में। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुआ था है ना, कब से कब तक? 1822 से, 1822 से 29 के बीच में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पश्चिम घाट में, कहाँ पे? पश्चिम घाट में। ओके, अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था, असम में, और इसके कौन थे? ये चक्र बिश्नोई ना होकर कौन से? गोमधर कुंवर है ना, क्या नाम था इनका? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, कुंवर। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये 1828 में हुआ था ये विद्रोह, 1828 से, 1828 में। तीरथ सिंह खासी विद्रोह ये असम का है, ये भी असम का है ना, खासी विद्रोह भी कहाँ है? का असम का है। इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे है ना। कब हुआ था? 1833 में, 1833 में। कब हुआ था? 1833 में, ये बात आपको इसमें याद रखनी है ना। तो असम में तीन हुए थे, एक असम में आहोम हुआ था, खासी हुआ था, और पागलपंथी, पागलपंथी भी कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। पागलपंथी भी कहाँ पे हुआ था? असम पे हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सी असोम, अहोम आंदोलन कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था, इसके जो नेता थे गोमधर कुंवर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की गई थी है
है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की गई थी? देखिए डॉक्टर अंबेडकर किसके थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष में कितने टोटल मेंबर थे? अध्यक्ष को लेकर टोटल 7 मेंबर थे। कितने थे? 7 है। तो पूछा गया है बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना कब की गई थी? पहला है वर्ष 1927, वर्ष 1924, वर्ष 1925 एंड वर्ष 1928। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? बहिष्कृत हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा। तो इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। 1927 में बहिष्कृत समाज पत्रिका, बहिष्कृत समाज पत्रिका का संपादन किया जाता था। समाज पत्रिका ये किसमें आता था? मराठी में आता था, मराठी भाषा में आता था। किसमें आता था? ये मराठी भाषा में आता था ना, ये बात आप याद रखिएगा। कब आता था? 1927 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? 1925 के जो कानपुर का अधिवेशन था उसमें सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती हैं। ये फर्स्ट भारतीय महिला होती हैं, भारतीय महिला अध्यक्ष है ना, भारतीय महिला अध्यक्ष, ये बात याद रखिएगा, महिला अध्यक्ष। 1928 में क्या होता है? 1928 में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, नेहरू रिपोर्ट है ना, नेहरू रिपोर्ट। और 1924 में बेलगांव का अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं, है ना। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी? पहला कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, जब नरम दल और गरम दल दोनों मिले थे, है ना, 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल की स्थापना कब की गई थी? 1916 में ही की गई थी, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, है ना। और गोमाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1915 में, है ना, 1915 में। तो पूछा गया असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, है ना। तो उसके बाद का पूछा गया, बाकी सारे क्या है उसके पहले के है, लेकिन बाद का क्या है हमारा? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, जो कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ही ये स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी द्वारा किया जाता है, 1923 में, है ना। तो 100 साल हो चुके हैं 2023 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, उक्त कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, रामकृष्ण परमहंस या महात्मा गांधी, है ना। तो यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये कथन किसका था? तो ये कथन था रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो महात्मा गांधी को महात्मा नाम किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, है ना। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे ना, उन्होंने प्रसिद्ध शिकागो सम्मेलन आपको याद होगा। विवेकानंद ने 1897 में परमहंस क्या था, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी, है ना, अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस, है ना, ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था? पहला शिक्षा में सुधार, अकाल के कारणों का पता लगाना, देसी रियासतों से संबंध या भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना, है ना। तो इनाम कमीशन किससे था? ये भूमि कर रही जागीरों को पता लगाकर उसको छीनना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। कब लाया गया था? 1852 में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, है ना। तो ये था आज का हमारा सेशन, है ना। हमने 50 क्वेश्चन कवर करा लिए हैं, आगे के सेट में बाकी क्वेश्चन और भी कवर करा लेंगे ना। आई होप इस सेशन को आपने पसंद किया हो
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।